पहला पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, आपको यह बताना है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बड़ी रियासत कौन सी थी, ध्यान दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं यहां पे। पहला ही ऑप्शन आता है कि आपका सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, क्या मेवाड़ थी क्या? नहीं सर, मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। मेवाड़ क्या मानी जाती है तो आप कहेंगे मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। बात आती है मारवाड़ की तो आप कहेंगे मारवाड़ ये सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए कौन से में, तो आपका उत्तर आएगा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। आमेर नाम की तो कोई रियासत थी नहीं। यहां पे अगर मैं बात करूं जयपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा जनसंख्या में बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी। जबकि मैं छोटी की बात करता हूं तो आप कहेंगे शाहपुरा। शाहपुरा की जनसंख्या थी काफी कम जनसंख्या थी और वैसे जो छोटी थी। टोंक की बात करते हैं तो याद रखिएगा एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी अपने राजस्थान में वो कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा टोंक थी। और ये आप जानते हैं कि राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी, तो अपना उत्तर आएगा राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान में 1900 रियासतें थी। जैसा कि आप जानते हैं तीन राजस्थान में क्या थे, तो आपका उत्तर आएगा ठिकाने थे। 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे और एक क्या था, तो आपका उत्तर आएगा केंद्र शासित प्रदेश था। बराबर से दम लगा के शेयर जरूर कर देना क्योंकि सेशन बड़ा शानदार होने वाला है और ये सेशन आपका दो महीने से मैं मेहनत कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कई बार मैं देखता हूं कि अचानक से कोई एक बंदा आता है और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई साहब, लगातार दो महीने से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, शेयर कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, विलय पत्र पर प्रथम रियासत जिसने हस्ताक्षर किए वो कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा बीकानेर। और विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली अगर मैं रियासत की आपसे पूछूं तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, धौलपुर। यानी धौलपुर रियासत ऐसी थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन अंतिम रूप में, और सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा ये। तो इसका सही जो जवाब बन जाना वो क्या बन जाना है, आपका मारवाड़ आ जाएगा। चले आगे चलते हैं। बात आती रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की जाती है, 4 जनवरी 1947 को, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947 या 31 मार्च 1948। बात आ रही है रियासती विभाग की स्थापना ये की जाती है 5 जुलाई 1947 को। अब फिर प्रश्न बनेगा कि रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, इसका सचिव किसे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। किसे बनाया जाता है, सचिव वीपी मेनन को। और ये पूरा का पूरा जो जिम्मा था ये किसके नेतृत्व में काम कर रहा था, तो अपना उत्तर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से पटेल की बात कर रहे हैं अपन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में सारा का सारा काम हो रहा था। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके सामने आता है राजस्थान के रियासतों के एकीकरण का जो सही क्रम आता है वो कौन सा है। अब एकीकरण की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है एकीकरण कुल कितने चरणों में होता है, आपका उत्तर आएगा सर 7 चरणों के अंदर होता है। मैं आपसे पूछूं 7 चरणों में पहला चरण कौन सा आता है, आपका उत्तर आएगा 18 मार्च आता है। 18 मार्च 1948 को पहला चरण आता है 18 मार्च के बाद में। अब ये स्पीड आपकी ऐसी हो जानी चाहिए 25 मार्च भी आना चाहिए। उसके बाद में बात आती है 18 अप्रैल 1948, यानी ये तीन चरण एकीकरण के 1948 में होते हैं। आगे चौथे चरण की मैं बात करता हूं 30 मार्च 1949 को होता है। पांचवें चरण की बात करता हूं तो 15 मई 1949 को होता है। छठे चरण की बात करता हूं तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को होता है। और सातवें चरण की बात आती है तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को होता है। अब यहां पे कह क्या रहा है अगला, ये कह रहा है कि टोंक, टोंक कौन से चरण में मिला था, तो आप कहेंगे सर टोंक दूसरे चरण में मिला था। उदयपुर की बात आती है तो उदयपुर कौन से चरण में मिला था, ये आपके तीसरे चरण में। जैसलमेर की बात आती है तो चौथा चरण आ ही जाएगा जैसलमेर। और छठे चरण में आप अजमेर। अब इनमें दिए हुए में से आप आराम से बता सकते हैं कि 1 2 3 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। सही जो इसका आंसर आना वो क्या ना 1 2 3 4, कि पहले टोंक मिलती है, टोंक के बाद में उदयपुर की बात आती है, बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में अजमेर। एकीकरण टोटल 7 चरणों के अंदर होता है, 4 का नाम है। कितने चरणों में, तो आपका उत्तर आएगा 7 चरणों के अंदर एकीकरण होता है। आगे फिर बात आती है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में घटित मत्स्य संघ में कौन कौन सम्मिलित हुए थे। आप जानते हैं कि मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की बात आती है तो ध्यान दे लेना कि मत्स्य संघ जो नाम है
पहली बात तो मुझे बताइएगा नाम, ये किसकी समिति की सिफारिश पर, तो याद रखना के एम मुंशी की सिफारिश पर। मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया, के एम मुंशी की सिफारिश पर नाम रखा गया। मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन थे, क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे क्या, बिल्कुल सही जवाब है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपके पहले चरण के अंदर शामिल किए जाते हैं। आगे फिर बात आएगी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। आप पीछे वाला प्रश्न इजी समझ के, आप पुष्पा समझ के कहीं डर मत जाना, है ना, ध्यान देना। पहले वाले प्रश्न का लेवल बड़ा इजी था, अब इस प्रश्न का लेवल ऐसा है कि आरपीसी पूछ ले, मैं कहता हूं 97% बच्चे गलत जवाब देंगे। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, अगर आपसे पूछा जाए 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए, 26 लाख रुपए या 184 लाख रुपए, जरूरी थोड़ी अगला 184 पूछेगा, वो यूं भी कह सकता है 1,84,00,000 रुपये। कितने रुपये, तो आपका उत्तर आएगा 1,84,00,000 रुपये। बात सही है, दोनों में से जो मर्जी कहे आपका, लेकिन बात तो आएगी कि ना भाई 184 लाख कह दो या 1,84,00,000 कह दो। प्रश्न बना कि इसकी जनसंख्या कितनी थी, भाई मैं आपसे पूछूं कि इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सर जनसंख्या की बात करते हैं तो 18 लाख इसकी जनसंख्या थी, कितनी थी 18 लाख। बात करते हैं कि इस मत्स्य संघ का, इसके उद्घाटन की बात करते हैं, भाई मैं आपसे पूछूं कि इसका उद्घाटन आपका कहां किया जाता है, याद रखिएगा लोहागढ़। अब आप कहेंगे सर लोहागढ़ है कहां पे, ये भरतपुर के अंदर है। उद्घाटन करने वाला बंदा कौन था, तो एन वी गोडगिल। उद्घाटन करने वाला बंदा कौन था, याद रखिएगा एन वी गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया। बात आती है कि इसके प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे, आप जानते हैं प्रधानमंत्री पहले पहले चरण में कौन बनता है सर, ये शोभा राम कुमावत बनता है। शोभा राम कुमावत पहले पहले चरण में क्या बनता है, तो आपका उत्तर आएगा प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूं कि प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत बन जाता है तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, आप कहेंगे उप प्रधानमंत्री। अरे भाई साहब वही बनता है जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, नेहरू कहा जाता है क्या, युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी ये क्या बनते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा ये मत्स्य संघ के क्या बन जाते हैं, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि राज प्रमुख कौन बनते हैं, ये आपके उदय भान सिंह को बनाया जाता है। राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, याद रखिएगा उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। और अगर उपराज प्रमुख की बात आती है तो याद रखिएगा उपराज प्रमुख के अंदर आपके गणेश देव आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में फिर प्रश्न बनेगा अपना, इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे, एन वी गोडगिल थे, ये आपको याद रख लेना है। ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें आ जाती हैं। और मत्स्य संघ बना कब था, तो ये आप जानते ही, पहला पहला चरण सामान्य चीजें मैं मानता हूं मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहां पे आज वाले सेशन में ऐसे प्रश्न ही लेके आऊंगा, लेकिन ये प्रश्न भी आपके पेपर के अंदर आराम से आपके नया पार लगा जाएंगे। राजस्थान संघ के निर्माण की बात आती है, याद रखिएगा मेरी बात, राजस्थान संघ का निर्माण ये 25 मार्च 1948 को होता है। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, अब राजस्थान संघ दूसरा था, दूसरे में राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, ध्यान देना। पहली बात तो दूसरे में आपकी बहुत सारी आपकी रियासतें शामिल होती हैं, आप जानते हैं रियासतों के नाम, यानी वही नाम जो आप कहते हैं बाबू की कोट परसा में क्यों झाड़ू, बिल्कुल वही नाम है। यहां पे दूसरे चरण की बात आ रही है, यानी ये कौन सा चरण है भाई साहब, तो आप कहेंगे सर ये दूसरा चरण है। बात आ रही है यहां राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, महाराव कोटा को बना दिया जाता है। और कोटा के महाराव की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, भीम सिंह कोटा के महाराव थे, ध्यान देना मेरी बात। अगर उपराज प्रमुख की बात आती तो उपराज प्रमुख बूंदी महाराज को बना दिया जाता है। उपराज प्रमुख किसे बना दिया जाता है, बूंदी महाराज को। बात आती इसका उद्घाटन कहां पे होगा, जैसे उसका लोहागढ़ में हुआ, इसका उद्घाटन होगा कोटा में, इसका उद्घाटन होगा कोटा में। अगर मैं इसकी आय की बात करता हूं, ध्यान देना 1,90,00,000 रुपए, यानी लगभग इसकी 2 करोड़ रुपए आई थी। लगभग कितनी आई थी, लगभग 2 करोड़ रुपए आई थी राजस्थान संघ की। आगे बात आती इसकी जनसंख्या की, अगर मैं बात करूं बाई चांस पर्सन आ जाए 23 लाख इसकी क्या थी, तो आप कहेंगे जनसंख्या थी। अब जरा गौर कीजिएगा, बात करते हैं प्रधानमंत्री इस समय कौन थे। चार आपको प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखने, सो गो माही, शोभा राम कुमार, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्रा। शास्त्रा नहीं रे शास्त्री, सो गो माही, यानी शोभा राम कुमावत आ जाएगा, हीरालाल शास्त्री आ जाएगा, सो गो माही। शोभा राम कुमावत, गोकुललाल असावा, हीरालाल शास्त्री, सो गो माही। माही याद करना, माणिक्यलाल वर्मा फिर हीरालाल शास्त्री, चार याद करने। पहले पहले चरण में याद करिएगा शोभा राम कुमावत,
दूसरे चरण में याद रखिएगा गोकुल लाल असावा, तीसरे चरण में याद रखिएगा माणिक्य लाल वर्मा, और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री बनते हैं। बंदा बना रहे बना ऐसा बना कि भारत का राजस्थान का मुख्यमंत्री वही बना रहा कई लंबे समय तक। चले आगे चलते हैं, अब बात आती इसके अंदर यानी दूसरा जो चरण था इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल थी। याद रखिएगा सीधी सीधी बात की कि बांसवाड़ा इसके अंदर शामिल था क्या? सर बिल्कुल शामिल था। क्या यहां पर बूंदी की बात करते हैं? करते हैं। क्या यहां पे किशनगढ़ आ जाएगा? सर क्यों नहीं आएगा किशनगढ़, यहां पे कोटा भी आ जाएगा, यहां पे शाहपुरा की बात भी आएगी, यहां पे आपका झालावाड़ भी आ जाएगा। झालावाड़ के बाद में बात करते हैं तो यहां पे आपका डूंगरपुर भी आ जाएगा, डूंगरपुर के बाद में बात करते हैं तो यहां पे टोंक भी आ जाएगा। कुल मिला के आप कहेंगे बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, शाहपुरा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक। एक और कौन सी बच गई सर? एक प्रतापगढ़ बच जाती है। ये नौ रियासतें जो हैं ये दूसरे चरण के अंदर शामिल कर दी जाती हैं। चलें आगे अपन चलते हैं। हाँ ये बाबू झाड़ू ये तो याद ही आपको। आगे आ रहे हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। भाई एक शासक ऐसा था जो नहीं करना चाहता था, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन यहां पे बात आ रही कि किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आपका उत्तर बनेगा डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने की बात क्या कोटा के महाराज भीम सिंह ने कही, बूंदी महाराज बहादुर सिंह ने, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो आपका उत्तर बनेगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे फिर बात आती है वृत्त राजस्थान कहने का मतलब चौथा चरण। अब वृत्त राजस्थान की बात आ गई तो याद रखिएगा चौथा चरण, और चौथे चरण में याद करना है कितनी तारीख, 30 मार्च 1949। और 30 मार्च को इसीलिए अपन कौन सा दिवस मनाते हैं सर? ये राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब बात आएगी इसमें कौन सी रियासतें शामिल की जाती हैं, क्या जैसलमेर को शामिल किया जाता है? क्या किया जाता है? मैंने कहा क्या जयपुर को शामिल किया जाता है? क्या किया जाता है? मैंने कहा क्या जोधपुर को शामिल किया जाता है? क्या किया जाता है? मैंने पूछा क्या बाड़मेर को शामिल किया जाता है? क्या किया जाता है? यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर ये होंगे, या फिर कोई और है, और भी ऑप्शन है क्या? कोई बीकानेर भी है क्या, या फिर बीकानेर होगी? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी रियासतें। भाई ये पांच तो है नहीं, बाड़मेर नहीं है, बीकानेर नहीं है, कौन सी नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि इसके अंदर मैंने कहां पे गलत लिखा है। अब जल्दबाजी में लिख तो दिया लेकिन तुरंत मेरे ध्यान भी आ गए, फटाफट कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं आगे बताता हूं। वृत्त राजस्थान की बात आती है याद रखिएगा, इसका उद्घाटन की बात आई कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करते हैं। फिर प्रश्न बनेगा उद्घाटन होता कहां पे? तो आप कहेंगे सर जयपुर के अंदर उद्घाटन होता है। कौन सा मैंने गलत लिखा फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई साहब, कौन सा गलत लिखा कमेंट करके बताइएगा। गलत तो लिखा है जयपुर में कहां पे आता है? तो आप कहेंगे सर ताल कटोरा के अंदर इसका क्या होता है, उद्घाटन होता है। ध्यान दीजिएगा इस समय राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? तो आप कहेंगे राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बना दिया जाता है, और मान सिंह सेकंड का मतलब जयपुर से थे, मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी समय प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और महाराज प्रमुख की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को क्या बना दिया जाता है? महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। चलें आगे अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सारे के सारे, यानी यहां पे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, या फिर बाड़मेर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यानी इसके अंदर बाड़मेर का कोई लेना देना नहीं होगा। चलें क्या आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए फटाफट से सभी तक शेयर कर दीजिएगा, सभी तक शेयर कर दीजिएगा अपने सेशन को, क्योंकि इसको शेयर नहीं किया तो भाई साहब आपने कुछ नहीं किया ये मान लो। फटाफट अपने जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों तक इसको आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको शेयर कर देंगे। चलें आगे चलते हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर का इससे कोई लेना देना नहीं था। चलें आगे चलते हैं चलते हैं। तो फिर आगे बात आती है, ये आपके सामने निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना। कहने का मतलब अब राजधानी तो जयपुर को बना दिया जाता है, राजधानी की बात आती है तो ध्यान दे लेना मेरी बात के ऊपर, राजधानी की बात आ रही है, राजधानी अब किसे बना दिया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा सर राजधानी बना दिया जाता है किसे?
तो आप कहेंगे जयपुर को राजधानी बना दिया, लेकिन अन्य शहरों में भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ ना कुछ क्या होगा, भरतपुर के अंदर कौन से विभाग की बात कर रहे हैं अपन? भरतपुर के अंदर बनाया जाता है कृषि विभाग। आगे फिर बात आती है जोधपुर में हाई कोर्ट बनाया जाता है। बीकानेर के अंदर बात आती है तो शिक्षा विभाग बना दिया जाता है। और उदयपुर के अंदर बात आती है तो खनिज विभाग बना दिया जाता है। और मैं एक और लिख दूं क्या, कोटा। और कोटा के अंदर उस टाइम क्या बना दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर वन विभाग कहां बना दिया जाता है, कोटा के अंदर बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके क्या है, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके वन विभाग आ जाते हैं। चले आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, शंकर राव देव समिति का गठन, ये धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात को जानने, इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, बराबर बताइएगा। यानी शंकर देवनारायण जो समिति थी, शंकर देवराय समिति, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित पूछा है। क्या पूछा है, अध्यक्ष सहित पूछा है, तो फटाफट से बता दीजिएगा इसका अध्यक्ष सहित क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्य थे, तो अध्यक्ष सहित पूछा इसने, अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे, तीन सदस्य हो जाएंगे। आगे वाला प्रश्न आता है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय होता है। ध्यान देना, यानी सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका दो चरणों के अंदर राजस्थान में विलय होता है। एक पहला चरण कौन सा, तो आप कहेंगे छठे भाग में और फिर सातवें में, छठे एवं सातवें, छठे एवं सातवें चरण में। याद रखिएगा मेरी बात, यानी सिरोही का जो विलय है ये छठे एवं सातवें चरण में होता है। आपसे पूछा जाए छठा चरण, अब आपके माइंड में चीजें हैं दौड़ के चलनी चाहिए, 26 जनवरी 1950। आपसे पूछा जाए सातवां चरण 1 नवंबर 1956। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, प्रश्न क्या आ सकता है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आता है। कब, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर अस्तित्व में आता है। आगे फिर बात करते हैं अपन कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे दो क्षेत्र कौन से थे, बराबर से बताइएगा, क्या झालावाड़ और कोटा, आबू रोड देलवाड़ा अजमेर, अलवर और भरतपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। यानी 1956 में आप जानते हैं कि दो क्षेत्रों के साथ में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, दो क्षेत्र मिल गए थे इसमें, एक आपका आबू रोड देलवाड़ा और साथ में क्या मिला था, अजमेर। अजमेर का एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था। और इसी के साथ आप जानते हैं अजमेर कौन सा जिला बना था, 26वां। अगर मैं आपसे पूछूं 26वां जिला कौन, तो आपका उत्तर आएगा अजमेर। आपको एक लाइन याद करनी है, अजय को दौड़ो दौड़ो बांधो, अजय को दौड़ो दौड़ो बांधो, हनुमान जी को पक्को भगत है, पक्को भगत है, हनुमान जी को, हनुमान जी को कह को भगत है, पक्को भगत है, पक्को भगत, पक्को भगत। कहने का मतलब धौलपुर 27वां बन जाता है, 28-29 इस पे 12, 2 राजसमंद बन जाते हैं, 31वें पे हनुमानगढ़, 32वें पे करौली और 33वें पे प्रतापगढ़, 34वें की तैयारी चल रही है। अभी नीम का दाना जिला बनेगा, लेकिन चिंता मत करो, अपने पेपर के तो बाद में बनेगा। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताने। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया। अब आपको करना क्या है, इन चारों में से आपको बताना है कौन से कथन ये सत्य है। पहली बात तो सही है, अजमेर मेरवाड़ा अंतिम चरण में शामिल किया गया था राजस्थान में। सेकंड नंबर सिरोंज का, भाई सिरिंज, सिरिंज तो कहां लगी, नीचे की ओर लगेगी, तो ये गलत हो गया। एमपी का सुनेल टप्पा, टप्पा उछल के किधर आया, ऊपर आया, तो याद रखना सुनेल टप्पा ये राजस्थान में मिला था। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। और मत्स्य संघ अंतिम चरण में कहां था, ये तो पांचवें चरण में, ये कौन से चरण में, तो याद रखना पांचवें चरण में। किसमें मिल जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा ये वृत्त राजस्थान में मिल जाता है। और जैसे ये वृत्त राजस्थान में मिल जाता है,
पांचवा चरण क्या कहलाता है? संयुक्त वृत्त राजस्थान कहलाता है। कौन सा? संयुक्त वृत्त राजस्थान कहलाता है। चलें आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एकीकरण के समय कौन से मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था? हनुमंत सिंह जी ने। आगे फिर बात आती है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। सही जवाब, महाराव भीम सिंह जी कोटा हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और इसी के साथ अपना बोर्ड है ये कह रहा भैया जवाब दूंगा। कोई प्रश्न अगला क्या है? मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मेवाड़ की पुकार का संबंध कौन से आंदोलन से है? ध्यान दीजिएगा, क्या भगत आंदोलन से है क्या? नहीं सर, मेवाड़ की पुकार पूछ रहा है, मेवाड़ की पुकार भगत आंदोलन से संबंधित? आप कहेंगे नहीं, भगत आंदोलन से अगर संबंधित आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर आएगा कौन? गुरु गोविंद गिरी। भगत आंदोलन से संबंधित कौन है तो आपका उत्तर आएगा गुरु गोविंद गिरी आते हैं। और इनसे संबंधित एक सभा आती है जिसका नाम आता है संप सभा। बात आती है बिजोलिया किसान आंदोलन, नहीं सर ये तो सबसे लंबा चलने वाला था, मीणा आंदोलन कतई नहीं, मेवाड़ की पुकार का संबंध है ये आपके एक ही आंदोलन। ये बातें चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दी तो लिख दी। एक ही आंदोलन याद रखिएगा, ये 1921 के अंदर प्रारंभ होता है। एक ही आंदोलन 1921 में प्रारंभ होता है और कितनी मांगों के साथ? याद करना, एक ही आंदोलन 21 सूत्रीय मांगों के साथ। एक ही आंदोलन कितनी मांगों के साथ में? तो याद करिएगा 21 सूत्रीय मांगों के साथ में प्रारंभ होता है। और ये जो 21 सूत्रीय मांगे थी इन्हीं मांगों को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। और मेवाड़ पुकार बोलने का मतलब आपसे प्रश्न भरा, इस आंदोलन से संबंधित एक बंदे का नाम आता है मोतीलाल तेजावत। कौन सा तेजावत भाई साहब? ध्यान देना, मोतीलाल तेजावत की बात आती है। और आंदोलन की अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं कि एक ही आंदोलन जो है ये शुरू कहां से होता है, कब होता है, तो आप कहेंगे सर 1921 के अंदर ये शुरू हो जाता है। और इसका जो मुख्य केंद्र था, बात आती है कि एक ही आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, आपका उत्तर आएगा इसका मुख्य केंद्र झाड़ोल था। आप तो ये बता दीजिएगा ये प्रारंभ कब होता है, क्यों? क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, एक ही आंदोलन प्रारंभ कहां से होता है और कब होता है ये बताइएगा। एक ही आंदोलन प्रारंभ कब होता है कहां से? बात आती है मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत, प्रश्न आ सकता है भीलों के बाबूजी, भीलों का बाबूजी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर भीलों का बाबूजी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। भीलों का बाबूजी कह दो तो भी वही बात है। और आ जाए आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा ये किसे कहा जाता है, तो भी आपका उत्तर बनेगा आदिवासियों का मसीहा, ये भी आपके मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता है। लेकिन फिर प्रश्न बनेगा, इन्होंने इन्होंने एक वनवासी सेवा संघ, वनवासी सेवा संघ की स्थापना, वनवासी सेवा संघ की स्थापना ये किसने की थी, तो आपका उत्तर बनेगा वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। बहुत बढ़िया, मातृकुंडिया से होती है, यानी इस आंदोलन की शुरुआत कहां से, तो आपका उत्तर आएगा मातृकुंडिया से। और मातृकुंडिया वही क्या, जिसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार, जिसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। तो चलते हैं आगे, मेवाड़ पुकार का संबंध किससे, तो आपका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा एक ही आंदोलन से आता है। कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन से आता है। एक बार जितने साथी देख पा रहे हैं सेशन को शेयर करने का नैतिक दायित्व जरूर निभाएं, और उसके बाद में सेशन को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ में लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे वाला प्रश्न आता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है और कुछ नहीं है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? आगे प्रश्न आया, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? साथियों गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इनका जन्म कब होता है, ये काफी बार प्रश्न आते हैं इसे, 1858 ईस्वी में गोविंद गुरु का जन्म कब होता है? 1858 ईस्वी के अंदर होता है। लेकिन फिर बात बने होता कहां पे गोविंद गुरु का जन्म, ये बांसिया ग्राम में होता है। बांसिया ग्राम में कौन सी जाति में होता है सर? ये बंजारा जाति में होता है। इन्होंने एक धूनी कहां पे स्थापित की? इन्होंने धूनी बेड़सा में, बांसिया बै से बंजारा बै से बेड़सा, याद रखना मेरी बात, बांसिया बंजारा बेड़सा,
बात आती है गोविंद गुरु की, गोविंद गुरु के गुरु का नाम क्या था, ध्यान दे लेना राजगिरी, इनके गुरु का नाम क्या था राजगिरी। और प्रश्न आता है इनका अंतिम जो समय ये कहां पे गुजारते हैं गोविंद गुरु, तो आप कहेंगे कंबोई नाम का स्थान आता है, कंबोई है कहां पे सर, कंबोई गुजरात के अंदर आता है, ध्यान देना। फिर अगला प्रश्न बनेगा ये 1898 जन्म होता है इन्हीं के द्वारा एक सभा की स्थापना की जाती है, आप कहेंगे सर कौन सी सभा की, संत सभा की, कब की जाती है 1883 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। फिर प्रश्न बनेगा संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर कर दी जाती है, इसके अधिवेशन होते हैं बहुत सारे, और अधिवेशनों में प्रथम अधिवेशन की अगर बात करते हैं, प्रथम अधिवेशन इसका कहां होता है, ये 1903 में होता है, और इसके बाद बात करते हैं एक अधिवेशन इसका कहां होता है, ये 17 नवंबर को होता है 1913 के अंदर, कब, मार्ग शीर्ष महीने की पूर्णिमा को, मार्ग शीर्ष महीने की पूर्णिमा को होता है, और इस दिन हो जाती है गोलीबारी, और यहां पर बहुत सारे मारे जाते हैं, इसे कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड। और मानगढ़ हत्याकांड की बात करें इसके बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन गोविंद गिरी के साथ में इनका एक चेला भी था, और चेले का नाम था पूंजाधीर जी, क्या नाम था, पूंजाधीर जी, तो पूंजाधीर जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बात आती है गोविंद गिरी को कहां भेजा जाता है, अहमदाबाद भेज दिया जाता है। चले आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब चलती क्लास में क्वालिटी कम नहीं होगी, नेट बहुत जा रहा है तो नेट जाने दो, और एक और करा लो आज अलग से 1-2 GB का पैक करा लो आज, ठीक है ना, अब नहीं होगी, अब नेट कम नहीं होगा, रोज तो कहते हो दिखता नहीं बफरिंग हो रही है, अब कह रहे हो नेट कम कर दो, है ये गलत बात है ना तुम्हारी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है भीलों द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर किससे संबंधित है। अब दिखने में छोटा सा प्रश्न दिखता है लेकिन गलत भी काफी होता है, ध्यान दीजिएगा, भीलों द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर किससे संबंधित था, सुरक्षा, चौकीदारी, आय, सेवा। प्रश्न क्या आ रहा है, भीलों द्वारा वसूला जाने वाला बोलाई कर किससे संबंधित था, चार ऑप्शन आ रहे हैं, बताइए फिर कमेंट कीजिएगा, इसका मैं जवाब जरूर आपका देखूंगा कि कौन साथी सही जवाब दे रहा है। चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब दीजिएगा, उत्तम गले का राज। चलें आगे, चलते हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, गलत बात है, ए आएगा सुरक्षा, बोलाई कर सुरक्षा से संबंधित था, जबकि चौकीदारी से बात आती है तो एक कर आता रखवाली कर, कौन सा कर है, रखवाली कर आता। चलें आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है 1860 ईस्वी को जहाजपुर में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, यह भी आपका गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ रहा है कि 1860 ईस्वी को जहाजपुर में कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया, क्या भीलों ने किया, ध्यान देना मैं बताऊं, 1851 से लेकर के और 1860 तक की बात आती है, मेड़ा लोगों ने विद्रोह किया था, कहां पे, तो आप कहेंगे जहाजपुर में, आप कहेंगे जहाजपुर कौन से राज्य में आता था, पहले उदयपुर रियासत में या उदयपुर राज्य के अंडर में आता था, ध्यान देना, ये आपका 1851 से लेकर 60 तक चला था, मेयर मीणा ग्रासिया, इसका सही जो जवाब है वो आ जाएगा मीणा लोगों ने किया, किसने, मीणा लोगों ने। चले आगे चलते हैं, क्या हुआ, अगला प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है, अब कथन लिखे हो आप सही गलत तो देख के बताए देंगे, बताइएगा फिर बराबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है, दो कथन आपके सामने है, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की, आगे आ रहा है गोविंद गिरी ने 1911 में संप सभा की स्थापना की, ये इनमें से आपको सत्य या असत्य जो भी है जैसा भी वो बताना है, जल्दी से एक बताइएगा, अब सेकंड नंबर वाला तो गलत ही दिख रहा है और गलत फर्स्ट नंबर वाला भी है, कहने का मतलब आप कह सकते हैं यहां कोई भी सत्य नहीं है, ऐसे कथन आपसे प्रश्न गलत करवाने के लिए ही दिए जाते हैं। चले आगे चलते हैं, अगला प्रश्न फिर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, गौर करना, राजस्थान में मेणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए जाते हैं, यानी मेणाओं पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं
वो 1952 में सभी प्रकार के प्रतिबंध ये समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर सम्मेलन ये कब होता है? तो आपका उत्तर बनेगा श्री माधोपुर सम्मेलन तो 1945 में होता है, 1944 में एक नीम का थाना में सम्मेलन होता है। कहां पे? नीम का थाना सम्मेलन होता है। और नीम का थाना जो सम्मेलन है इसमें आप याद रखिएगा महत्वपूर्ण भाग, जैन मुनि मगर सागर, जैन मुनि मगर सागर के अध्यक्षता में सम्मेलन होता है। कब? 1944 में। नीम का थाना कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा सर ये वर्तमान सीकर केंद्र आता है। आगे फिर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है, मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? अभी मैंने बताया कि मानगढ़ हत्याकांड में जैसे ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद में इन्हें कहां भेजा जाता है? आपका उत्तर बनेगा मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके भेजा जाता है नीमच, वर्धा, नसीराबाद, अहमदाबाद। आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा अहमदाबाद। प्रश्न फिर आ रहा है, कर्नल होम्स के द्वारा आगुआ पर नियंत्रण कर लिया जाता है और ठाकुर कुशाल सिंह किसके पास में शरण लेते हैं? पहली बात तो प्रश्न आएगी ठाकुर कुशाल सिंह कहां के ठाकुर थे? तो आप कहेंगे सर आगुआ के ठाकुर थे। ये शरण कहां पे लेते हैं? ये कोठारिया के जोत सिंह के पास में लेते हैं। ये कोठारिया के किसके पास में? जोत सिंह के पास में जाकर शरण लेते हैं। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। बात आती गिरफ्तार करने के बाद में इनके लिए एक आयोग भी बनाया जाता है। प्रश्न आ सकता है इनके लिए आयोग कौन सा बनाएगा जांच के लिए? टेलर आयोग बनाया जाता है। फिर बनेगा प्रश्न, टेलर आयोग बना और उस रिपोर्ट के अंदर ये निर्दोष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और कुशाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके समय में युद्ध लड़े गए थे, दो युद्ध लड़े जाते हैं, एक आता है बिथोड़ा का युद्ध और एक आता है चेलावास का युद्ध। और यहां पर एक नारा लगा था कि ढोल बाजो चंग बाजो, ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बाकी हो, मेजर ने मार के किला ऊपर टांकियो, लटका दिया था भाई साहब इसको। तो नारा क्या लगा? ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बाकी हो, मेजर ने मार के किला ऊपर टांकियो। वारे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो तानसारा ने, ते पहुंच गया हो एक निकटतम आंकड़ा कन। और आज क्लास ने अति शेयर कर दो कि कल जब मैं सभी को बधाइयां, सभी को नमस्कार, ढेर सारा धन्यवाद कि जो मैं देख रहा था क्लास शुरू करने से पहले कि आप आज लाइव की संख्या जरूर निश्चित रूप से बढ़ाओगे, आपने बढ़ाई भी है। और अगर आज की लाइव की संख्या ज्यादा जाती है, कंटिन्यू 6 तारीख को लेके आऊंगा साइको का मैराथन, 7 तारीख को इंडियन हिस्ट्री का मैराथन, 8 तारीख को लेके आऊंगा फिर राजस्थान ज्योग्राफी का मैराथन, 9 तारीख को लेके आऊंगा एक मैराथन और कौन सा बताओ, मैनेजमेंट के क्वेश्चन का, और 10 तारीख की रात होगी भारी करंट के क्वेश्चन का मैराथन लेके आऊंगा, ये कंटिन्यू लेके आऊंगा। लेकिन शर्त एक ही है, आप सभी तक पहुंचा दीजिएगा। रातें काली करने के लिए तैयार है आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, 1857 ईस्वी में क्रांति का सबसे बड़ा बड़ा विद्रोह कहां पे होता है? क्या भरतपुर के अंदर होता है, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में? जयपुर वालों की तो क्या ही बात करें, कोटा के अंदर हुआ होगा सर, बिल्कुल सही बात है। होता कब है? 15 अक्टूबर 1857 को होता है। और कोटा के अंदर विद्रोह करने वाले दो बंदे थे, एक तो था मेहराब खान और दूसरा था जय दयाल कायस्थ, ये दो बंदे थे। यानी कोटा में विद्रोह करने वाले दो बंदे कौन? एक तो मेहराब खान, एक जयदयाल कायस्थ। और बताया जाता है यहां पे कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाए, यानी आप यूं कहिएगा अंग्रेज अधिकारियों की गर्दन काटी गई, अंग्रेज अधिकारियों की गर्दन काटी गई। अंग्रेज अधिकारियों की गर्दन काट करके क्या किया गया? तो आप कहेंगे गर्दन काटकर कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है। कहां घुमाया जाता? कोटा शहर के अंदर, कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो आप कहेंगे गर्दन काटी किसकी? भाई साहब गर्दन काटी बर्टन की, गर्दन काटी सेडलर की, गर्दन काटी आपके कांटम की। ध्यान देना, बर्टन तो मारा ही मारा गया, बर्टन के दोनों बेटे भी मारे जाते हैं, सेडलर मारा जाता है, कांटम मारा जाता है। और ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैं कहूंगा सर कोटा का, कोट में होता है बटन तो कोटा का बर्टन। आगे बात आती है मेवाड़ जिलों की नगरी में सावर खूब है, फवारे खूब है, सावर सा गया। मारवाड़ की बात आती है तो ध्यान देना, मारवाड़ में मेक मोशन आ जाएगा, मारवाड़ में कौन सा मोशन आ जाएगा? मेक मोशन। आपसे पूछे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन गार्डन जयपुर में तो नहीं है लेकिन मान लो, ईडन गार्डन जयपुर में तो नहीं है लेकिन है मान लो,
कि आपका ईडन कहां का, तो आप कहेंगे जयपुर का। कोटा का बल्टन, मेवाड़ का सावर, ध्यान देना, कोटा का बल्टन, मेवाड़ का सावर, मारवाड़ का मैकमोसन, जयपुर का ईडन, तो भरतपुर का बता दीजिएगा। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपका उत्तर आएगा मॉरिसन। कहां का पॉलिटिकल एजेंट था सर, ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा था, ध्यान देना, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा था। नंबर एक पे आता है डलहौजी की गोद निषेध पर था, नंबर दो पे आता है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, नंबर तीन पे आता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, नंबर चार पे आता है भू राजस्व प्रणाली। तात्कालिक कारण पूछा बिना सोचे समझे, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। आगे आता है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था, पर्सन तो इजी सा की है लेकिन जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक तब बन जाता है। बात बनी शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय, भाई साहब शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे 1835 में होती है, और इसका मुख्यालय कहां रखा जाता है, झुंझुनू के अंदर इसका मुख्यालय रखा जाता है। ध्यान देना, अब मैं क्रांति के केंद्रों की बात करने लग गया, राजस्थान में, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात ये कहां से होता है सर, ये नसीराबाद से होता है, नसीराबाद में कब, 28 मई को। और यहां पर याद करना, एक तो न्यूबरी और एक स्पोटिस वुड की हत्या कर दी जाती है, न्यूबरी और स्पोटिस वुड की क्या कर दी जाती है, आप कहेंगे हत्या कर दी जाती है। नसीराबाद से क्रांति का क्या होता है, प्रारंभ होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं निमच, निमच में क्रांति का प्रारंभ कब होता है, आप कहेंगे सर 3 जून को होता है। यहां पे किस किस के नेतृत्व में, एक तो हीरालाल था और एक अली बेग था, यहां से सारे के सारे आ जाते हैं मेवाड़ में। कौन अंग्रेज अधिकारी, मेवाड़ के अंदर अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी जाती है, मेवाड़ के अंदर अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी जाती है एक डूंगाराम, ध्यान देना, एक डूंगला नाम का गांव था, रूंगाराम नाम का किसान था, डूंगला नाम का क्या था, तो आप कहेंगे गांव था, डूंगला गांव के अंदर कौन से किसान के घर, तो आप कहेंगे सर रूंगाराम किसान के घर क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। और उसके बाद में इनको शरण दी जाती है मेवाड़ महाराणा के द्वारा। भाई अपने 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, मेवाड़ महाराणा भी फिर अंग्रेज अधिकारियों को शरण देता है, कहां पे देता है, तो याद रखिएगा जग मंदिर के अंदर इनको अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे फिर ध्यान देना, ये निमच की बात होगी, निमच का विद्रोह आ गया। इसके बाद में प्रश्न बनेगा 21 अगस्त को, कब की बात कर रहे हैं, 21 अगस्त को विद्रोह कहां पे होता है, सर एरिनपुरा में होता है। और एरिनपुरा में जब विद्रोह होता है तो यहां पे नारा लगाया जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा क्या लगाया जाता है भाई साहब, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यहां पे नारा लगाया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और बात आती है यहां पे कौन थे, एक तो मोती खां था, एक शीतला प्रसाद था, एक मोती खां, एक शीतला प्रसाद, एक तिलक राम, ये तीनों के तीनों बंदे यहां पे क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और मेन मुद्दे की बात पे आता हूं साहब, तो याद कर लेना 8 सितंबर को होता है भिथोड़ा का युद्ध, और इसके ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है, तो आप कहेंगे सर चेलावास वाला युद्ध है ये आपके 18 सितंबर को होता है। बात आती है 8 सितंबर को कौन सा, तो आप कहेंगे भिथोड़ा वाला युद्ध होता है। दोनों के दोनों स्थान कहां पे, पाली में। और मैं बड़ा गौरवशाली आदमी हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं चेलावास के पास में नौकरी कर रहा हूं। पहले इतिहास को सुना जाता था और आज इतिहास को महसूस कर रहा हूं, पहले किताबों में पढ़ते थे, आज इस वीरता की भूमि पर मैं हूं। 18 सितंबर चेलावास का युद्ध होता है और युद्ध को कहा जाता है काला गोरा का युद्ध, और दोनों युद्धों में अंग्रेज अधिकारियों को मुंह की खानी पड़ती है। चले आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न फिर आपके सामने आता है, क्या आता है, जालौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। प्रश्न बनेगा क्या हसन निमाजी ने, या फिर अमीर खुसरो, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर आ जाएगा जालौर के बारे में ऐसा कहने वाला कौन था, हसन निजामी। कौन था, हसन निजामी ऐसा कहने वाला था। चले आगे चलते हैं, आगे प्रश्न आता है पृथ्वीराज रासों के अनुसार चौवानों का सही क्रम क्या है। देखना अब यहां पे पृथ्वीराज रासों के अनुसार चौवानों का सही क्रम क्या बनता है, चौवानों का नहीं, यहां पे आप कर लो राजपूतों का सही क्रम। राजपूतों का सही क्रम क्या बनता है, इसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये सही उत्तर आएगा। लेकिन एक बुक आती है शर्मा एंड पावा की, उसके अंदर इसको दे रखा है जो कि गलत है। यहां पर सही उत्तर आएगा प्रतिहार, परमार और चालुक्य।
अगर उच्च कोटि का साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्त, अतिथि सरलता गुण राजपूतों में पाए जाते हैं, क्या मतलब है ऐसे प्रश्नों का? निम्नलिखित में से कौन सा लेख हमीर के बारे में जानकारी नहीं देता है, यानी जो हमीर के बारे में जानकारी नहीं देता उसके बारे में आपको बताना है। क्या हमीर खुसरो जानकारी नहीं देता, क्या चंद्रशेखर जानकारी नहीं देता, भट्ट खेमा नहीं देता, नैणसी नहीं देता? फटाफट बताइएगा, मोहनोत नैणसी का क्या ही काम है, तो मारवाड़ का बंदा है, यहां क्या लेने आएगा? चले आगे, चलते प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमीर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चार कथन आ रहे हैं, हमीर ने कोटि यजन यज्ञों का आयोजन किया। अगला कथन आता है, अपनी सेना को बलशाली बनाया, दिग्विजय की नीति अपनाई, अपने चौहान साम्राज्य का विस्तार करना, कौन सा असत्य है? सेना को बलशाली बनाता तो फिर हार करने की कहां जरूरत पड़ी थी, हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। कौन से शासक ने जाइंद्र पर अधिकार कर लिया और वहां के समस्त देवालयों और प्रसादों को धराशाही कर दिया था? क्या इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? याद रखना ये जलालुद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में अगर आपसे पूछा जाए 1301 में कौन सा, तो आपका उत्तर आएगा सर रणथंभौर का अभियान। 1303 के अंदर कौन सा, तो आपका उत्तर आएगा सर चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में। फिर आपसे पूछा जाए 1308 में कौन सा और 1311 में कौन सा, ये तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लो। चले आगे, चलते हैं अगले प्रश्न क्या आता है फिर देखना। क्या कह रहे सोने के दो दानों के बदले अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था, यह कथन कौन से द्रुक के बारे में कहा गया? सोने के दो दानों के बराबर अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था, यह कहा गया किसके बारे में? रणथंभौर द्रुक के बारे में कहा गया। आगे फिर प्रश्न आता, क्या हो रहा है, एक मिनट में थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको, एक ही सेकेंड है ना, जो तो डिलीट पेज उनको उठा ही दे। अब तो कंटिन्यू प्रश्न आ रहा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब ये प्रश्न देखकर आप कह देंगे बिजोलिया, नहीं नहीं गलत कहेंगे आप, बिजोलिया नहीं आएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? क्या सीकर, अलवर, मेवाड़, बिजोलिया? तो इसका उत्तर आ जाएगा मेवाड़ के अंदर किसानों ने आंदोलन कर दिया था लगभग 1880 के अंदर, यानी मेवाड़ में किसानों ने आंदोलन 1880 के अंदर कर दिया था। आगे चलें, अगला प्रश्न आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति के किसान ये आपके सर्वाधिक संख्या में थे? क्या सीरवी जाति, सिखी जाति, मनसा, मेव, धाकड़? तो इसका उत्तर आ जाएगा धाकड़ है भाई, किसान तो धाकड़ है। चलें आगे, चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, चौरी कर की प्रकृति क्या थी? चौरी कर लगाया किसने था? तो आप कहेंगे सर चौरी कर ये लगाया था कृष्ण सिंह जी ने। चौरी कर किसने लगाया कृष्ण सिंह ने? कब लगाया सर? 1903 में लगाया। कितना लगाया? 5 रुपये प्रति लड़की की शादी पर, यानी पुत्री के विवाह पर जो कर दिया जाता था वो कर कौन सा? तो आपका उत्तर आ जाएगा चौरी कर। आगे फिर प्रश्न आता है, नानक भील और देवलाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नानक भील का और देवीलाल गुजर का संबंध किससे? ध्यान देना, अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे सीधी सीधी एक बात लिखता हूं, डाबी हत्याकांड का संबंध किससे? फिर मुझे बता देना डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? आपका उत्तर आएगा सर डाबी हत्याकांड का संबंध ये इसी से है। डाबी हत्याकांड हुआ कब था? ध्यान दे लेना, ये अप्रैल 1923 के अंदर हुआ था। फिर प्रश्न बनेगा, डाबी हत्याकांड अप्रैल 1923 में हुआ था, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली किसने चलवाई थी? ध्यान दे लेना, गोली चलवाने का काम ये इकराम हुसैन ने किया था। गोली चलवाने का काम कौन से हुसैन ने? तो आपका उत्तर आएगा सर इकराम हुसैन करता है। अब भी बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या आएगा? अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब आएगा बूंदी। और इसी डाबी हत्याकांड में एक तो नानक भील और एक देवीलाल गुजर, ये क्या हो गए थे? तो आपका उत्तर आएगा सर शहीद हो गए थे, शहीद। चले आगे, चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तो प्रश्न आता है, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई? चार ऑप्शन आते हैं, क्या पृथ्वी सिंह ने लगाई,
क्या किशन सिंह ने, क्या केसरी सिंह ने, क्या स्वरूप सिंह ने? सही जवाब दे दीजिएगा इसका। बिजोलिया में तलवार ला किसने लगाई थी? आप सही बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सही उत्तर आ जाएगा पृथ्वी सिंह जी ने तलवार लाग लगाई थी। नींबू चना कांड, नींबू चना याद करने भैया, मैंने बताए थे नींबू चना, नींबू चना 1 4 5, नींबू चना 1 4 5 याद करना, 1 4 5। नींबू चना हत्याकांड का संबंध कहां से? आप कहेंगे सर अलवर से। अलवर में इस समय शासक कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा अलवर में शासक सर जय सिंह जी थे। अलवर में शासक कौन थे? जय सिंह थे। नींबू चना हत्याकांड में गोली कौन चलवाता है? तो याद रखिएगा कैप्टन या कमांडर जो आपका छज्जू सिंह था, कैप्टन या कमांडर छज्जू सिंह, ये क्या करता है? तो आप कहेंगे गोली चलवाता है। गोली चलवाता है कौन? तो आप कहेंगे कैप्टन या कमांडर है छज्जू सिंह गोली चलवाता है। और इसी की बात करते हैं नीमूचना हत्याकांड की, इसके यंग इंडिया के अंदर चर्चा होती है, यंग इंडिया में चर्चा होती है। और गांधी जी इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही कहा था। गांधी जी ने इसे क्या कहा? तो आपका उत्तर आएगा दोहरी डायर शाही से कहा था। नीमूचना हत्याकांड की बात आती है तो नीमूचना किसान आंदोलन की भी बात आएगी, ध्यान दे लेना। मैं कह रहा हूं कि नीमूचना, नेमू चना किसान आंदोलन, नेमू चना किसान आंदोलन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहेंगे सर नेमू चना किसान आंदोलन ये माधो सिंह ने आगे चलाया, इसी के अंदर एक बंदे का नाम आता है कौन सा? गोविंद सिंह। इसी के अंदर एक नाम आता है अजय सिंह, और इसी में एक नाम आता है गंगा सिंह। ये प्रश्न आया हुआ है और आ भी सकता है कि फलाना फलाना सिंहों का नाम, ढिमका ढिमका सिंह का नाम, ये कौन से आंदोलन से? तो आपका उत्तर बनेगा ये आपके निमूचना किसान आंदोलन से। और यहां से बात जब होती है 14 मई 1925 को क्या होता है? इसका एक बड़ा कांड होता है जिसे कहा जाता है निमूचना हत्याकांड। यंग इंडिया में इसकी चर्चा होती है, बात करते हैं इसी की चर्चा अपने तरुण में भी होती है, इसके बाद में इसी की चर्चा की बात करते हैं, इसकी चर्चा प्रताप के अंदर भी होती है, यानी इंडिया के बड़े बड़े चर्चित जो अखबार थे उन सभी के अंदर इसकी क्या होती है? तो आप कहेंगे चर्चा होती है। आगे बात आ रही है माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध किससे है, तो ध्यान देना ये सारे के सारे, अरे भैया अभी क्या पढ़ के आए हो, ये माधो सिंह गोविंद सिंह पढ़ के आए ना, ये अलवर किसान आंदोलन से हैं। कौन से किसान आंदोलन से? तो आपका उत्तर बनेगा अलवर किसान आंदोलन से। प्रश्न बना बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया था? चार ऑप्शन आपके पास है। बेंगू किसान आंदोलन ध्यान देना, क्या विजय सिंह पथिक, क्या जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी? तो बताइएगा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है विजय सिंह पथिक के कहने पर। भाई विजय सिंह पथिक तो बीजी थे, इनके कहने पर किसके द्वारा किया जाता है? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन में याद रख लेना सीधा सीधा एक जो समझौता होता है, किस किसके मध्य होता है समझौता? समझौता किसानों के मध्य और किसान एवं किसके मध्य? ठाकुर अनूप सिंह के मध्य होता है। और इस समझौते को क्या नाम दिया जाता है? इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। जो आपके बोल्शेविक का संबंध तो यहां से नहीं था, विदेशी क्रांति से था, लेकिन उसी की तुलना की जाती है बोल्शेविक समझौता। ये कौन से समझौते को कहा जाता है बेंगू वाले को, याद कर लेना एक बात मेरे यहां पे। आप बोल्शेविक समझौता हो गया, चलो ठीक बात है। इसी किसान आंदोलन में दो बंदे शहीद हो जाते हैं, एक तो रूपाजी धाकड़। कौन से धाकड़? तो आपका उत्तर आएगा रूपाजी धाकड़, और एक आते हैं कृपाजी धाकड़। ये दोनों के दोनों धाकड़ भाई साहब क्या हो जाते हैं? तो आप कहेंगे शहीद हो जाते हैं। कब की बात आ रही है? ये 13 जुलाई 1923 की बात आ रही है। रूपाजी कृपाजी का संबंध किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। बोल्शेविक समझौते का संबंध किससे है? तो भी आपका उत्तर आएगा बेंगू किसान आंदोलन। नेतृत्व कौन करता है? तो आप कहेंगे रामनारायण चौधरी करते हैं। प्रश्न अगला यही आ गया, रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी के अंदर मारे गए थे? आपका उत्तर क्या बनेगा सर? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर गोलीबारी में मारे गए। बात आती है अलवर किसान आंदोलन, आपको बताया था नींबू चना हत्याकांड। चले आगे चलते, अगला प्रश्न क्या आता देखिएगा। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अभी बताया आपको
निमोचना कांड के समय अलवर के शासक महाराजा जयसिंह हुआ करते थे। इसके बाद में फिर आगे प्रश्न क्या आ रहा है, आप जो प्रश्न में लेके आ रहा हूं आपके सामने, रुक जा रहे, अब जो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूं ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। अभी आज मैं मार्केट में गया तो मुझे एक बुक मिली पवन जी भंवरिया भाई साहब की, और बुक के अंदर प्रश्नों का कलेक्शन था। प्रश्न स्पीड से सुपर फास्ट से अपन लोग देखते हुए चलाएंगे, आपको तो केवल एबीसीडी एक्स्ट्रा जो चीजें आएंगे मैं बताते चलूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका एक बार क्विकली रिविजन करवा दूं मैं, ठीक है। तो पवन जी सर की किताब है, उनसे मैं पहले ही कह देता हूं माफी चाहूंगा, क्योंकि कहीं आप कह दो कि मेरी किताब को आपने क्यों पढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, चलें आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न इसके अंदर क्या आता है, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं कि मैं और प्रश्न ले सकूं, और मुझे लगा कि अच्छे प्रश्न है और निश्चित और निसंदेह रूप से बच्चों को फायदा होगा ही होगा। ध्यान देना, बात करें क्योंकि चार दिन बच गए। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, आपसे चार काल दिए गए, आपको बता रहे हैं कौन सा काल कालीबंगा से संबंधित है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, या 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर क्या आना है ये कमेंट करके आप फटाफट बताइएगा कि इसका सही काल क्या है। कमेंट करके सही उत्तर बताइएगा। आगे चलता हूं मैं, आगे था निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो आप कहेंगे आहड़ के अंदर होता था, कालीबंगा में होता था, बेराट में होता था, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। यहां पे किसका प्रयोग होता था, तो आप कहेंगे सर यहां पे पत्थर का प्रयोग होता था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपके सामने राखीगढ़ी, कालीबंगा, तो आपका उत्तर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है कहां पे, तो ये तो आप जानते हैं, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले के अंदर आ जाती है। आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ में आ जाती है, और कालीबंगा सभ्यता याद रखना, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते हैं, काले काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की क्या है, तो आपका उत्तर आएगा चूड़ियां, यह आपके कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। इसके उत्खनन केंद्र याद रखिएगा, बीवी लाल होगी तो थप्पड़ मार दिया, बीवी लाल और बी के थापड़ याद रखिएगा, एक तो बीवी लाल आएगी, और जब बीवी लाल हो जाती है तो भाई साहब बीवी थप्पड़ भी मार देती है, बी के थापड़, बी के थापड़, बीवी लाल और बी के थापड़ का संबंध किससे है, आप कहेंगे कालीबंगा सभ्यता से है। कालीबंगा पूरा स्थल की कौन सी दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो आपका यहां पे उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। चलें आगे अपन चलते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है ये तो अपन देखेंगे तभी पता चलेगा। गणेश्वर सभ्यता कौन से काल से संबंधित है, ध्यान देना, गणेश्वर है कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा सर नीम का थाना में। गणेश्वर सभ्यता कहां है, निमका थाना में है, याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता निमका थाना में। निमका थाना कहां पे सर, सीकर के अंदर है। गणेश्वर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ये किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा गणेश्वर सभ्यता को। और याद रख लेना यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला, गणेश्वर से मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा और बाणाग्र ये कहां से मिले, आप कहेंगे सर गणेश्वर से मिले। गणेश्वर को ही ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। गणेश्वर को ही क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर पत्थर के बांध यानी पत्थर का उपयोग है ये ज्यादा मिला, तो यहां पर आ जाएगा इसका सीधा संबंध किससे आएगा, ताम्र कांस्य युग से आ जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था, तो आपका उत्तर बनेगा घग्गर के किनारे। क्या गिलोंड आता है, क्या आहड़ आता है, क्या पीलीबंगा, क्या कालीबंगा, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सैंधव स्थल था, तो ये दोनों ही है वैसे तो, घग्गर के किनारे कालीबंगा पीलीबंगा, लेकिन इसका सही जो जवाब है वो इसके अकॉर्डिंग पीलीबंगा मान लिया जाएगा। आगे फिर बात आती है, कालीबंगा से निम्न में से कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह आपको बताना है। कालीबंगा से कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो के, सोयाबीन के, रागी के,
चावल के, कौन सी फसल के अवशेष आपको प्राप्त हुए काली बंगा से, तो आपका उत्तर बनेगा सर जो के अवशेष अपने को प्राप्त हुए। आगे फिर बात करेंगे तो अपने पास क्या आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को, अरे रुक जा, प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर रंगों की सुंदर ज्यामितिक आकृतियों से सजाया गया, तो आप कहेंगे सर कालीबंगा सभ्यता में, कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। चलें आगे, चलते आगे प्रश्न फिर क्या मिलता है, ध्यान देना बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई साहब कि किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, अमलानंद घोष, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, तो आपका उत्तर बनेगा कोट डीजी पर मिले हैं। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ रहा है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य ये किसके नेतृत्व में संपन्न होता है, तो ध्यान देना कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है यह भी मैं बता के आया था, यह बीवी लाल और बीके थापड़, तो यहां पे बीवी लाल उत्तर है आ जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका आता है दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं ये राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा से। चलें आगे, चलते हैं अगला जो प्रश्न आता है वो वापस से सभ्यता के ही चल रहे हैं, अभी ये टॉपिक टू टॉपिक सारे प्रश्न अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या आता है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, यह आपको बताना है, यानी किसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से, तो प्रश्न आएगा क्या कालीबंगा को नहीं, क्या आहड़ को नहीं, क्या बैराट को नहीं, बागुर को नहीं, तो भाई साहब किसे तो कहते होंगे ना, कहते हैं सर आहड़ को कहते हैं, इसे ही कहा जाता है आघाटपुर, और इसे ही कहा जाता है धूलकोट, इसे ही आघाटपुर कहा जाता है, इसे ही धूलकोट कहा जाता है, और इसे ही ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो आपका उत्तर आएगा घग्गर के किनारे, नहीं सर घग्गर के किनारे तो कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ, क्या लूनी के किनारे, नहीं सर कांतली, बिल्कुल सही बात है, और बनास के किनारे बात करते हैं तो कौन सी सभ्यता का, आहट सभ्यता का विकास होता है। निम्नलिखित संस्कृति में से कौन सी संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, इनमें से बनास संस्कृति, यह किसे कहा जाता है, आहट जो संस्कृति है इसे बनास संस्कृति के नाम से, और आहट सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, अभी मैंने आपको बताया आहट सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आहट सभ्यता कह दो या आघाटपुर सभ्यता कह दो एक ही बात है, धूलकोट कहां पे स्थित है, तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा आहड़ के अंदर स्थित है। चले आगे, चलते हैं, क्या बताइएगा शानदार रिवीजन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर शानदार रिवीजन हो रहा है तो एक बार के लिए सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो दबाकर, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो जाएगा राजस्थान इतिहास वाला तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। चले आगे, चलते हैं आगे, फिर प्रश्न आ गया, एक प्रश्न और आ गया, निम्नलिखित में से शेखावाटी की कौन सी महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपका उत्तर आएगा किशोरी देवी ने किया था, किसने किया था, किशोरी देवी ने। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे, ट्रेंच कमीशन का संबंध पूछ रहा है, वो प्रश्न वापस से आ जाएंगे आगे, चिंता मत करो, ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आएगा बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन का संबंध है। आगे फिर चलेंगे अपन तो अपने पास प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, आ ही नहीं रहे, कहां गए, लाएंगे प्रश्न फिर जोड़ेंगे, प्रश्न तो लाएंगे प्रश्न तो नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटी भी करवा देते सर तो बहुत अच्छा होता, पॉलिटी करवा देंगे, बताओ कद करवानी, सब करवा देंगे, मजे करो आप तो, बस सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन होने के बाद में भूल मत जाना बस। सिलेक्शन होने के बाद में भूल मत जाना, बाकी तो सारी बातें ठीक है।
लो जी अगला प्रश्न क्या आ रहा है, दोमू का तो चूल्हा, ध्यान देना प्रश्न बड़ा शानदार है, प्रश्न सारे ही शानदार शानदार है। अब देखिएगा बात करते हैं आगे प्रश्नों पर, दोमू का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ में सिल भट्टा और पेन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर खुदाई में मिले, ध्यान दे लेना, दोमू का चूल्हा ये कहां पे मिला, आप कहेंगे आहड़ के अंदर मिला। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ जाता है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, ध्यान दे लेना कालीबंगा में, और क्या मिला था कालीबंगा के अंदर, ध्यान दे लेना भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, यह भी याद कर लेना, कालीबंगा में किसकी नाली, तो आप कहेंगे लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां पे मिले, तो आप कहेंगे सर कालीबंगा के अंदर मिले, कालीबंगा के अंदर भूकंप के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की बात आती है अक्षय कीर्ति व्यास ने की। बात करते हैं ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है उदयपुर के अंदर। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति भी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। चले आगे वाले प्रश्न की ओर, आगे वाला प्रश्न क्या था देखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आ रहा है, राम सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण कहां से प्राप्त हुए, ध्यान देना बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राम सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण ये कहां से प्राप्त हुए, ये स्फटिक शब्द आ रहा है तू ध्यान दे लेना, आहड़ से प्राप्त हुए, कहां से आहड़ से। सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया है, तो आहड़ के अंदर पक्की ईंटों को काम में लिया गया। आगे फिर प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा तात्विक अवशेष कहां मिले, तो आपका उत्तर आएगा बेराट के अंदर मिले, बेराट की बात आती है तो याद रख लेना भाभरू शिलालेख, भाभरू शिलालेख की बात आती है तो याद रख लेना बीजक की डूंगरी, कौन सी डूंगरी, बीजक डूंगरी, याद रख लेना यहां पे बल्ट, वैसे बल्ट भी आ जाएगा, वैसे बल्ट भी आ जाएगा, कैप्टन बल्ट ने यहां पर खोजे थे। बेराट की बात आती है, भाभरू शिलालेख आता है, बीजक डूंगरी, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से, अभी बताया बेराट की सभ्यता से आ जाती है। बालाथल कहां पे, ये भी आपका उदयपुर के अंदर आता है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, ये लेपिस लाजुली नाम की सामग्री है जो संकेत देती है कि अपने संपर्क बाहर से थे। चले आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है देखिएगा, प्रश्न है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की कौन सी सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही, ध्यान देना दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, इन सब के नाम आ जाते हैं तो आपका उत्तर आएगा बेराट, कौन सा बेराट। बेराट के बाद में फिर प्रश्न बनेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन से सभ्यता स्थल से मौर्य कालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए, क्या बेराट से, रंगमहल से, आहड़ से या बड़ोपाल से, तो आप कहेंगे मौर्य कालीन वास्तुकारी के प्रणामों की बात आती है प्रमाण की, ये बेराट से अपने को प्राप्त हुए। फिर प्रश्न बनेगा बेराट प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में, डॉक्टर दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहां पे होता है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कहां से अपने को चांदी की मुद्रा मिली है, ध्यान दे लेना चांदी की मुद्रा पंचमार्क की बात आती है, यूनानी मुद्राओं की बात आती है, ये अपने को कहां से मिली, बेराट से मिलते हैं। बेराट कहां पे सर, जयपुर के अंदर है। चले आगे चलते हैं, कौन से पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, चित्रित शैलाश्रयों की बात आ रही है, बेराट के अंदर प्राप्त हुए हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में कौन से गोल चैत्य ग्रह कहां मिले, तो याद रखना बेराट के अंदर, चैत्य ग्रहों की बात आ जाए तो आप बेराट कह देंगे। राजस्थान के कौन से जिले में गणेश्वर सभ्यता आती है, आप जानते हैं सीकर के अंदर आती है, कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन ये किसके निर्देशन में होता है, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में होता है। कौन सी ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर आएगा गणेश्वर, कौन सा गणेश्वर। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है, ध्यान दे लेना गुर्जर प्रतिहारों की बात होती है,
तो प्रतिहारों की कौन सी शाखा को सबसे पुराना माना जाता है? आपका उत्तर आएगा मंडोर वाली जो शाखा है इसे गुर्जर प्रतिहारों के अंदर सबसे पुरातन शाखा के रूप में जाना जाता है। बात आती है गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो आपका उत्तर आएगा नाग भट्ट ने मंडोर से मेड़ता राजधानी बनाई थी। इनकी मुख्य राजधानियों की अगर बात करूं तो मंडोर इनकी राजधानी आती है, उज्जैन भी इनकी राजधानी आती है, कन्नौज भी इनकी राजधानी आती है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानियां थी तो आपका उत्तर आ जाएगा इनकी राजधानी मंडोर भी थी, इनकी राजधानी उज्जैन भी थी, इनकी राजधानी कन्नौज भी थी। और यहां राजस्थान के अंदर एक राजधानी और ये बनाते हैं मेड़ता को। आवान एरिया और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। कौन से प्रतिहार शासक को आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है? याद कर लेना मिहिर भोज को आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? याद कर लेना धर्म संग्रह नहीं है, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश है, कृत्य कल्प तरु है और राज मृडाड है। ये किसकी पुस्तकें आती हैं? तो आपका उत्तर बनेगा ये मिहिर भोज की पुस्तकें आती हैं। आगे फिर प्रश्न बनेगा प्रतिहारों की शाखा के बाद में निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का बड़ा ही विशेष उल्लेख किया है? तो वो आपका आ जाता है सुलेमान। कौन आ जाता है? सुलेमान ने गुर्जरों का बड़ा ही शानदार वीरता पूर्वक क्या किया है? तो आप कहेंगे सर उल्लेख किया। इसके बाद चलें आगे, चलते हैं आगे। प्रश्न आता है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वो कौन था? तो आप कहेंगे नाग भट्ट द्वितीय था। नाग भट्ट द्वितीय परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता। निम्न में से कौन सा शासक गोंड में भोज प्रथम का समकालीन था? तो याद कर लेना देवपाल। कौन सा? देवपाल। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। घटियाला शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है, कौन से राजवंश की जानकारी अपने को मिलती है? तो प्रतिहार राजवंश की जानकारी अपने को कहां से? घटियाला शिलालेख से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कि कौन से शासक के काल में बेराट से एक मौर्य कालीन युगीन स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है? यानी कौन सा एक काल था, शासक था, जिसके काल में स्वर्ण मंजूषा की प्राप्ति हुई है? तो याद कर लेना राम सिंह। आगे आते ग्वालियर प्रशस्ति कौन से शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो आप कहेंगे नाग भट्ट प्रथम के अंदर कहा गया कि अरबों का दमन हुआ। फिर प्रश्न बना किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया था? हरीशचंद्र ने। किसने? हरीशचंद्र। प्रश्न फिर बना दौलतपुर लेख में मिहिर भोज को किस उपाधि का उल्लेख आता है? तो आपका उत्तर आएगा मिहिर भोज को प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है, आदि वराह के नाम से भी मिहिर भोज को जाना जाता है। चलें आगे चलते हैं। प्रश्न आता है कौन से प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में समाधि ले ली थी? भाई साहब ध्यान देना, गंगा जी में समाधि लेने का काम ये नाग भट्ट द्वितीय करता है। यहां थोड़ा दिख नहीं रहा होगा कि अरब यात्री के अनुसार प्रतिहारों की स्व सेना, पालों की हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के रूप में जानी जाती है। ये सुलेमान के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। आगे बात आती प्रतिहार शासक मिहिर भोज ये कौन से धर्म को मानता था? तो आप कहेंगे भगवान विष्णु का उपासक था। प्रतिहार शासक वत्सराज के समय जैन आचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वत्सराज के समय जैन आचार्य कौन था? कवि उद्योतन सूरी था। कौन था? उद्योतन सूरी था। इसने कौन से स्थान पर कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना की? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुवल्ले माला ग्रंथ कहां लिखा गया है? आप कहेंगे सर जालोर के अंदर लिखा गया। कहां पर लिखा गया? जालोर के अंदर। चलें आगे चलते हैं। आगे फिर बात आती है कौन सा ग्रंथ राजशेखर का ग्रंथ नहीं है? राजशेखर का ग्रंथ नहीं है, कर्पूर मंजरी है, बाल भारत है, प्रचंड पांडव है, विक्रमार्जुन विजय नहीं है। किसका? राजशेखर का। बाल भारत भी है और याद करना बाल रामायण भी है। अगर आपसे पूछा जाए ना तो बाल रामायण भी है। ये बाल रामायण किसकी बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर राजशेखर की बात कर रहे हैं। किसकी? राजशेखर की।
राजशेखर किसके दरबार में था, यह कमेंट करके आप बता दो। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार परतियार नरेश नागभट प्रथम ने अपनी राजधानी कहां पे बनाई थी, जालोर में बनाई थी। कहां बनाई थी, जालोर के अंदर। आगे फिर प्रश्न आता है, कौन से प्रतिहार कालीन मंदिर को वर्तमान में महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। आगे फिर चलें तो अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान देना, गुर्जर जाति का पहला अभिलेख कौन सा, पहला उल्लेखित अभिलेख ही उल्लेख कहां मिलता है, यानी गुर्जर की बात आ रही है तो गुर्जर का पहला उल्लेख कहां मिलता है, ऐहोल के अंदर। महमूद गजनवी के समय कौन सा शासक है अपनी राजधानी से पलायन कर गया था, राज्यपाल की बात आती है। अल मसूदी किसके शासन काल में आया था, महीपाल प्रथम के काल में आया था। किसके काल में, महीपाल प्रथम के काल में। क्या रिवीजन आपका अच्छे ढंग से हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो फटाफट से मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर रिवीजन तो हमारा शानदार ढंग से हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या आता है, कौन से इतिहासकार ने चव्वानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया। ब्राह्मण की बात आती है तो डॉक्टर डी आर भंडारकर कर देना, कनिंघम आएगा नहीं आएगा, क्या डॉक्टर हो जाएगा नहीं, सीवी वेद नहीं आएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो आपका उत्तर आएगा परमार्दी देव था, ये इसका चंदेल शासक था। जयचंद कहां का शासक था, ये तो आप जानते हैं, ये इसके समकालीन गहड़वाल शासक था। बात आती है यहां पे परमार्दी देव के दो सेनापति आते हैं, एक तो आला आता है और एक कौन आता है, तो आप कहेंगे सर आला उदल किसके आते हैं, ये परमार्दी देव के आते हैं। ये किसके समकालीन था, तो ये पृथ्वीराज चौहान। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा सांभर, इसीलिए तो क्या कहते हैं अपन, सांभर के चौहान कहते हैं। याद रखिएगा अजमेर नगर का संस्थापक कौन आता है, तो आपका उत्तर बनेगा अजमेर नगर का पूछा इसने, तो अजय राज अजमेर नगर का संस्थापक आता है। अजमेर नगर की स्थापना होती कब है, 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना हो जाती है। कौन से चौहान शासक ने साकंबरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था, तो याद कर लेना अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। आगे फिर चलते हैं, कवि बांधव की उपाधि कौन से चौहान शासक को प्राप्त है, कवि बांधव कहा जाता है, इसे ही विशल देव कहा जाता है, तो ध्यान दे लेना कवि बांधव की उपाधि से यह किसे नवाजा गया है, क्या विग्रहराज चतुर्थ को, क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, क्या अजय राज को, या अर्णो राज को, तो आपका उत्तर बनेगा विग्रहराज चतुर्थ को। इसे क्या कहा जाता है, याद करना विशल देव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कवि बांधव को, विग्रहराज को क्या कहा जाता है, विशल देव भी कहा जाता है। कहा जाता है क्या, बताओ कहा जाता है क्या, चले आगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। कटी बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा जाना जाता है, तो फिर आपका उत्तर आएगा विग्रहराज चतुर्थी आ जाएगा। ध्यान दे देना, अब मुझे एक बात बताओ, बिसलदेव रासो किसने लिखा था, ये बता दो आप मुझे, बिसलदेव रासो किसने लिखा था, बिसलदेव रासो किसने लिखा था, तो आपका उत्तर बनेगा बिसलदेव रासो नरपति नाल्हे ने लिखा था। किसने लिखा था, नरपति नाल्हे ने लिखा था। कहते हैं बिल्कुल कहा जाता है, अच्छी बात है ना सर कहा जाता है। तो चलते हैं आगे, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या आता है, याद कर लेना पृथ्वी भट्ट के नाम से भी कवि चंद्रवरदाई को कहते हैं। चौहान राजवंश की निम्नलिखित शासकों को काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है, और ये सर ने पहले ही करके दिया है, पृथ्वीराज वन, अजय राज की बात आती है, अर्णो राज आता है, और बाद में कौन, विग्रहराज चतुर्थ आ जाता है। चलें आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है देखिएगा, प्रश्न अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा 1105 ईस्वी। आगे प्रश्न क्या आता है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित कर देना है, तो काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देना है बी सी डी ए। कहने का मतलब पहले ये आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा कौन सा, विग्रहराज, और लास्ट में आ जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, तो ध्यान दे लेना कर्पूरी देवी की बात आती है, ये पृथ्वीराज चौहान की माता आती है। आगे प्रश्न बनता है, चार चौहान शासकों को काल क्रम के अनुसार, क्या बात है कालक्रम पक्का ही आएगा, इसका मतलब तो विग्रहराज चतुर्थ की बात आती है, सोमेश्वर की बात आती है,
पृथ्वीराज की बात आती है, पृथ्वीराज थर्ड की बात आती है, ये बिल्कुल ही सही है, यानी विग्रह राज चतुर्थ आ जाएगा, इसके बाद में पृथ्वीराज आ जाएगा, पृथ्वीराज के बाद में सेकंड के बाद में सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज थर्ड। तो ये आपका ये ऑप्शन दे ही रखा है। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना। चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबार विद्वान नहीं था? ध्यान दे लेना, प्रश्न बड़े शानदार शानदार है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? एक नंबर पे आता है विद्यास्पति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप की बात आती है, सारंगधर की बात आती है। आप तो सीधा सीधा याद कर लो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में विद्यास्पति गौड़ भी था, वागीश्वर जनार्दन भी था, विश्वरूप भी था, लेकिन सारंगधर इस दरबार में नहीं था। आगे फिर बात आती है, अजमेर के कौन से चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? ये जगदेव ने कर दी थी, इसलिए जगदेव को अजमेर के चौहान वंश के अंदर पितृघातदा के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो आपका उत्तर बनेगा भीमदेव द्वितीय था। अजमेर के चौहान राजा जिसे अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, तो आपका उत्तर आ जाएगा विग्रहराज, जिसे अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से भी जाना जाता है। केरलराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसके बाद में आपको बताना है कि कौन से जो कथन है वो सत्य कथन है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा फिर ध्यान देना। पहला पहला क्या आ रहा है, पहला पहला कथन आपके सामने आ रहा है भाई साहब, ध्यान से देखते चलना। अरे रुक जा, पहला पहला कथन आ रहा है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। बिल्कुल मार दिया गया था ना, कहने का मतलब सत्य, 1, 3, 4 इसके सत्य हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। आगे फिर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। आगे फिर प्रश्न आता है, ललित विग्रह राज वही आएगा, कवि बांधवी आएगा, रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में रहता था? तो आप कहेंगे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता था, बोले तो बिसल देव के दरबार के अंदर रहा करता था। चलें आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सीधा सीधा उत्तर आएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम आता है सोमेश्वर चौहान। आगे फिर प्रश्न आता है, कौन से किस चौहान शासक के द्वारा जावालीपुर को ज्वालापुर बनाया जाता है? तो आप कहेंगे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। कौन से चौहान शासक को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इनको काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करेंगे, 3, 2, 4, 1। कहने का मतलब पहले कौन आ रहा है? विग्रहराज चतुर्थ आ रहा है, विग्रहराज चतुर्थ आ रहा है, इसके बाद कौन आ रहा है? पृथ्वीराज द्वितीय आ रहा है। ये प्रश्न ये मान लेना पक्का आएगा, मैं कह रहा हूं मेरा अनुमान गलत नहीं है, ऐसे क्रम वाले प्रश्न चौहानों से पक्का ही आएगा, ये मान लो। फिर इसके बाद में सोमेश्वर आ गया, और सोमेश्वर के बेटे का नाम तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ही था। चले आगे, आगे प्रश्न आता है, कौन से चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की थी? तो याद कर लेना, कौन से चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर ये बिसलपुर की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर बनेगा विग्रहराज चतुर्थ ने। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की जाती है? सोमदेव के द्वारा की जाती है। सोमदेव किसके दरबार में रहता था? तो आप कहेंगे विग्रहराज के दरबार में। कदम्बवास किस राजा के समय मुख्यमंत्री था? पृथ्वीराज तृतीय के समय कदम्बवास या केमास मुख्यमंत्री हुआ करता था। सोमदेव नामक विद्वान आपको बता दिया, वरा मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? अरुणराज करवाता है। आगे प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के चौहान शासकों की जानकारी देता है? अब जालोर की बात आती है तो कानड़दे प्रबंध आ जाएगा, और कानड़दे जब प्रबंध आ जाएगा तो ये लिखा किसने था? पद्मनाभ ने लिखा था। कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा लिखा जाता है? पद्मनाभ के द्वारा लिखा जाता है। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? फिर याद कर लेना, प्रश्न की प्रकृति बदली है, यह मिलती है किसमें? कानड़दे प्रबंध में। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? कानड़देव था। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी था तो कौन था? कानड़देव था। अगला प्रश्न फिर आता है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय कहां का शासक, रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान, हमीरदेव था, हमीरदेव।
आगे फिर बात आती है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था, उलुग खां के अधिकार में सौंप दिया था। रणथंभौर किसके अधिकार में सौंपा, तो आपका उत्तर आएगा उलुग खां के अधिकार के अंदर सौंपते हैं। आगे फिर प्रश्न आता है किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा, तो ये कौन है, हमीर देव ही आ जाता है। आगे वाला प्रश्न फिर आता है कि रणथंभौर का 1301 में किस किस के मध्य होता है। भाई साहब सामान्य साक प्रश्न है, इजी साक प्रश्न है, करी जाओगे ये तो आप ध्यान दे लेना मेरी बात। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में किसके मध्य होता है, तो याद कर लेना ये होता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य में। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ में प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी, 1290 के अंदर हुई थी। आगे फिर बात करेंगे अपन निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, तो समर सिंह का तो नाम आता है, उदय सिंह आता है, कीर्तिपाल आता है, लेकिन वत्स राज का यहां से कोई लेना देना नहीं है, ये तो गुर्जर प्रतिहारों के अंदर शामिल कर लिया जाता है। चलें आगे, अरे अपना उद्देश्य तो केवल अपना रिपीट करना है, एक बार सिलेबस को अपनी आंखों से निकालना है, समझ गए ना। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। चले टिप्पणी तो याद ही तो करवाना है अपने को, करवाना क्या है, अपना टारगेट टेस्ट लेना थोड़ी, अपना टारगेट तो याद करवाना है। ध्यान देना अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर, आप खुद तो याद करते नहीं हो तो मैंने सोचा रीडिंग मरवा देते हैं। अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था, कौन मारा गया था, नुसरत खान मारा गया था, उलुग खान नहीं मारा गया था, याद कर लेना। आगे प्रश्न आता है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को कार्यक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब बताओ अब की बार उत्तर ढक दिए, हाँ अब की बार उत्तर ढका गया भाई, अब की बार बताओ फिर। प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अब व्यवस्थित करके बताओ मेरे को फटाफट। रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़ और सिवाना, ये तो आप जानते हैं कि पहले 1301 के अंदर कौन था, सर रणथंभौर था। इसके बाद में बात आती 1303 में कौन था, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़ था। इसके बाद में 1308 में कौन था, ये सर सिवाना था। 1311 में कौन था, जालौर था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1342। अब बताओ अब आएगा मजा फिर, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किसने किया, तो आपका उत्तर बनेगा सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध करने का काम रणथंभौर के शासकों में कौन कौन करते हैं, एक तो वाघभट्ट करता है और एक हमीर करता है। कौन कौन करते हैं, एक वाघभट्ट करता है और एक हमीर करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलते हैं आगे। प्रश्न आता है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था, सिवाना के किले को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा था, क्या रखा था, खेराबाद, याद कर लीजिएगा। तो बताइएगा खिजराबाद कहां का नाम रखा था, भाई खेराबाद वहां का रखा था तो खिजराबाद भी कहां का तो रखा था, बिल्कुल रखा था खिजराबाद भी। आगे प्रश्न फिर आ रहा है कौन सा दुर्ग है ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा फिर कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक से सुमेलित नहीं है। जालौर का शासक कानरदेव था क्या, ये तो सही बात है। सिवाना के अंदर मालदेव का क्या लेना देना है भाई साहब, रणथंभौर में अमीर देव था क्या, था। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह था क्या, बिल्कुल चित्तौड़ के अंदर भी राणा रतन सिंह थे। बात आती है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, और वो ही फिर इन दोनों के बीच में युद्ध का एक कारण बना था, तो बताइएगा फिर हमीर ने किसको शरण दी थी, ये कमेंट करके बताइएगा। किस विद्रोही सेनापति को, कौन से विद्रोही सेनापति को शरण दी थी, तो आपका उत्तर बनेगा मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी, शरण दी थी। किसे दी थी शरण, तो आपका उत्तर आएगा मीर मोहम्मद
सहाय को इन्होंने क्या दी थी, तो आप कहेंगे शरण दी थी। चलें आगे, चलते हैं आगे वाला प्रश्न। फिर क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को विजित करके उसका नाम खेराबाद रखा था। अभी बताया था सिवाना दुर्ग का नाम इन्होंने क्या रख दिया था, खेराबाद रख दिया था। चलें आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, जेत्र सिंह कहां का शासक था। तो याद कर लेना, जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। बोर्ड जवाब देने लग गया, वे कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि दिन भर से चल रहा है। जेत्र सिंह, आपकी तो दो घंटे से और भी तो क्लासें होती हैं। जेत्र सिंह कहां का शासक था, तो आपका उत्तर आएगा मेवाड़ का शासक। चले आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या ही आता है देखना, अगला प्रश्न सीधा साफ प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम की दृष्टि से सही है, यह आपको बताना है। यानी कौन सा है ये काल क्रम के अनुसार सही है। पहला ऑप्शन आ रहा है जेत्र सिंह, फिर समर सिंह, फिर तेज सिंह। गड़बड़ हो गई, समर सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह। जेत्र के बाद में तेज आएगा, फिर समर आएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना। चलें क्या आगे चलते हैं, ध्यान देना। अगला प्रश्न आ रहा है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, तो आप जानते हैं रानी पद्मनी की रक्षा की थी। कहने का मतलब गोरा बादल ये कौन से दुर्ग से जुड़े हुए हैं, ये चित्तौड़ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कौन से वर्ष में हुई थी, 1303 ईस्वी के अंदर हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान याद कर लेना, 1301 में रणथंभौर वाला, 1303 में चित्तौड़ वाला, 8 में सिवाना वाला, 11 में जालौर वाला। पक्का ही एक प्रश्न आएगा, कंफर्म एक प्रश्न आएगा। ठीक है, आज तो बफरिंग होने वाली नहीं, आज तो टकाटक चाला ग्लास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे, आगे प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। यानी बात आ रही है कौन सी रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है उसका वर्णन किया, तो आपका उत्तर बनेगा खजाइन उल फतुह में। कौन सी बुक में, खजाइन उल फतुह में। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था, 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। आगे प्रश्न आ रहा है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा। अभी बताया था ना, चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया जाता है, तो आप कहेंगे खिजराबाद। खेराबाद कहां का रखा गया था सर, खेराबाद नाम कहां का रखा गया था, कमेंट करके भी बताइएगा। अभी पीछे बता के हूं, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है, विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हमीर को जाना जाता है। ध्यान देना, अब यहां पे आपके सामने लिख सकता था हमीर देव को, क्या आप कहेंगे नहीं, ये हमीर देव तो जाना जाता है सिंह गमन सतपुरुष बचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार। वो हमीर है, ये वाला हमीर देव है और ये वाला राणा हमीर है। चलें आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या था भाई साहब, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है। हिंदूपत के नाम से पूछ रहा है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत के नाम से महाराणा सांगा को जाना जाता है। बात आती है राणा सांगा ने कौन से युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। ध्यान दे लेना, बयाना का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में राणा सांगा की सेना जीती, बाबर की सेना हारी, और अंत में बाबर की सेना जब और ज्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, तब जाकर के बाबर ने कहा था मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, चांदी के सिक्के बंटवा दूंगा, और रात में जिहाद का नारा लास्ट में लगाया था। आगे आ रहा है खातोली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है, यह आपका असत्य है, यह आपको बताना है। चार कथन है खातोली के युद्ध के बारे में। खातोली है कहां पे, ध्यान देना, खातोली वर्तमान के अंदर बूंदी के अंदर आती। खातोली के युद्ध के बारे में क्या कथन है सत्य है, यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बात आती है खातोली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। आगे आती है युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था और महाराणा सांगा इस युद्ध में विकलांग हो गया था। आपको असत्य बताना है तो खातोली का मेवाड़ मारवाड़ से कोई लेना देना नहीं है, खातोली का मेवाड़ मारवाड़ से कोई लेना देना नहीं है। चलें आगे चलते हैं, आगे फिर आता है खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था।
खानवा के युद्ध में जब सांगा घायल हुआ था, झाला अज्जा आया था। एक आता है झाला अज्जा, एक आता है झाला बीदा। झाला बीदा का संबंध किससे, कमेंट करके भी बताओ फटाफट, झाला बीदा का संबंध किससे है अभी कमेंट करके बताइएगा। अगला आता है महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार कौन से स्थान पर किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार कहां किया गया, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा, बसवा। तो आपका उत्तर आ जाएगा मांडलगढ़ के अंदर किया गया। इसके बाद फिर बात करते हैं तो आता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, याद रखिएगा 1527 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, राणा सांगा के पक्ष में सूर्यमल का कोई लेना देना नहीं है, रायमल भी था, कल्याणमल भी था, पृथ्वीराज जयपुर वाला भी था और बहुत सारे शासक थे जो लड़ रहे थे। बात आती है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था, तो आपका उत्तर बनेगा हाकिम खान सूर का संबंध तो किससे आ जाता है, ये तो महाराणा प्रताप से आता है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है खातोली कौन से जिले में, आप कहेंगे खातोली बूंदी जिले के अंदर आता है, इसमें कोटा लिख रखा है, खातोली वैसे बूंदी में ही। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा, कोई खास बात नहीं, आगे वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न आ रहा है मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे प्रश्न है। 1509 ईस्वी में होता है, कब होता है 1509 ईस्वी के अंदर। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं तो आता है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया था, आप कहेंगे ऐतिहासिक युद्ध खानवा के अंदर लड़ा गया था, कहां लड़ा गया था, खानवा के अंदर। फिर बात आती है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध के अंदर पराजित किया, तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर का नाम है खातोली के अंदर, कौन से युद्ध में, खातोली के युद्ध में पराजित किया। राणा सांगा की मृत्यु कब होती है, सामान्य सा प्रश्न है, 30 जनवरी 1528 को होती है, कब होती है 30 जनवरी 1528 को। आगे फिर प्रश्न आ रहा है महाराणा प्रताप की छत्री कहां पर है, ये बांडोली के अंदर आती है महाराणा प्रताप की छत्री। महाराणा प्रताप की छत्री कहां पे आती है, तो ध्यान दे लेना बांडोली के अंदर आती है महाराणा प्रताप की छत्री। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप ने, कौन से प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने किया था। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, चक्रपाणी मिश्र था, शानदार प्रश्न है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, कब होता है महाराणा प्रताप का जन्म, तो आपका उत्तर आएगा 9 मई 1540 को होता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था, जलाल खां कोरची को भेजा था, बाद में तो आप जानते हैं जम्मा भाटो वाली ट्रिक। आगे आता है हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा, तो आप कहेंगे अमीर जलाल खान को भेजा, बात तो वही आ गई। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था, टोडरमल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था, टोडरमल को भेजा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो आक्रमण हुआ था उसमें अंतिम आक्रमण का नेतृत्व जगन्नाथ करता है। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया, शाहबाज खान ने, वो एक अलग बात है कि अधिक ढंग तक सफल हो नहीं पाए थे। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है, तो आप कहेंगे मेवाड़ का रक्षक तो महाराणा प्रताप भी कहलाएगा, कौन कहलाएगा, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है, तो याद कर लेना महाराणा प्रताप को, किसे, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला लिखी, अभी आया था ना नाम चक्रपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पे है, तो याद कर लेना महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ में आती है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म कौन से जिले में हुआ, कुंभलगढ़ है कहां पे, तो आप कहेंगे राजसमंद के अंदर आता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की समायु कितनी थी, ये प्रश्न ऐसे आए हुए लगते हैं आपको गुलगुले टाइप के जी प्रश्न, लेकिन ये पेपरों में आए हुए, याद कर लेना 57 वर्ष। चले आगे चलते हैं। आगे फिर बात आती है प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी, तो याद कर लेना चावंड में। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहां बनाई थी, चावंड के अंदर। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब बनाई थी, वही बात है 1585 के अंदर बनाई थी। आगे फिर प्रश्न आ रहा है महाराणा प्रताप ने
चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा कब तक रहा, 1615 तक, अमर सिंह के काल तक। आगे फिर बात आती है निम्नलिखित में से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल कौन कौन थे, ये डी ऑप्शन इसका सही है, 1, 2, 3, 5 पुरोहित गोपीनाथ था। इसके बाद में आगे बात आती तो राणा पूंजा भी था, आगे बात आती तो जयमल मेहता भी था, आगे बात आती तो आपका चारण है जैसा भी था, हकीम खां और कृष्णदास चुंडावती आपके चंदावल दस्ते में शामिल नहीं थे। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था, बताओ अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा, सही सही साक आ जाएगा, अकबर ने उदयपुर का प्रशासन है ये सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कछवा को। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है, तो फटाफट से बताइएगा कौन सा साक्ष्य है जो महाराणा प्रताप को क्या मानता है, तो आपका उत्तर आएगा विजयी मानता है। फटाफट बताओ फिर कौन सा साक्ष्य है जो महाराणा प्रताप को क्या मानता है, आप कहेंगे विजयी मानता है। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या फिर सभी, तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका क्या आ जाएगा, सभी हो जाएगा, क्या जाएगा सभी। चलें आगे चलते हैं। आगे प्रश्न फिर आता है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, राणा प्रताप के पक्ष में एक तो लड़ा था राम सिंह तंवर, एक बिदा झाला, एक रावत कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों ही लड़े थे, 1, 2, 3 आ जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, आप कहेंगे मान सिंह प्रथम ने किया था, भाई मुगल बादशाह की सेना का नेतृत्व किसने, मान सिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन से विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, गंदा तो बड़ा बंदा था, याद कर लेना गंदा तो बड़ा बंदा था, यह तो बंदा युद्ध ने कहा था, लेकिन बात आ रही खमनोर का युद्ध, अबुल फजल ने कहा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी, झाला बीदा ने की थी, झाला अज्जा कहां पे आ रहा है, ये राणा सांगा के साथ में आता है और झाला बीदा की बात आती है तो ये आपका यहां पे आ जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था भाई साहब, राणा पूंजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो कमांडर था ये कौन था, राणा पूंजा। आगे फिर बात आती है वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे 80,000 थी, मुगल सेना की संख्या कितनी, 80,000 मानी जाती। आगे फिर प्रश्न आता है, क्या आता है गौर करना, आगे प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, आएगा, लाएंगे प्रश्न तो लाएंगे। दो मिनट वेट कीजिएगा आप। जलपान कर लीजिएगा भाई साहब, हाथ क्यों दुखन लाग गयो, पढ़ो लाडी पढ़ो, ढे पार पड़छी, रात काली करनी पड़छी, अब तो जीने मरने की बात आ रही है। आज दुख है तो भाई साइन क्या कर सी है, आज दुख है पार थोड़ी पड़ सी, आज दुख है नहीं लड़ी तो साइन करे नहीं, जना जार जना बे क्या कर सी है बता। कई बार है ना आपको लगता होगा कि थक गए शर्म, देखिएगा थकता शरीर नहीं है कभी भी बंदे का, कभी भी बंदे के शरीर में थकावट नहीं आती, थकावट पहले मस्तिष्क में आती है और बाद में शरीर में आती है, थकावट मस्तिष्क में पहले आती है शरीर में बाद में आती है। क्या थक गए आप, थकना तो है नहीं, थकना उस दिन पूरी थकान उतारना, उस दिन आराम से सोना, मैं कहता हूं महीने तक नींद नहीं पूरी करना, किताबों को देखना है मत, जिस दिन स्कूल में जाके सिग्नेचर कर लो, क्योंकि टारगेट ग्रीन पेन है ना, टारगेट वैक कहता है ना, बस फिर पढ़ो जहां से मिले पढ़ो।
हाँ चलिएगा, अगला प्रश्न आता है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। कई बार क्या होता है ना, एक बार रीट में प्रश्न आया था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, और वहां पे पहला ही ऑप्शन चेतक था, लोगों ने चेतक को चेप दिया। अब भाई साहब गड़बड़ कर दी, हाथी का नाम तो राम प्रसाद था, चेतक तो घोड़े का नाम था, चेतक तो किसका नाम था, घोड़े का नाम था, राम प्रसाद नाम हाथी का नाम था महाराणा प्रताप का, ध्यान दे लेना। गजमुक्ता और गजराज मुगलों के हाथी थे, हवाई भी मुगलों का हाथी था, मर्दाना भी मुगलों का हाथी था, लेकिन राम प्रसाद और लूणा ये किसके हाथी थे, महाराणा प्रताप के हाथी थे। राम प्रसाद का इनाम बाद में पीर प्रसाद हो जाता है। जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा मैराथन कहा गया है। चलें आगे, प्रश्न आता है मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था, चारुमती के कारण, किसके कारण, चारुमती। कौन से राजपूत शासक ने विजय कट कातु की उपाधि धारण की थी, ध्यान दे लेना। महाराणा राज सिंह ने विजय कट कातु की उपाधि धारण की। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा है, 1662 से लेकर 1680। औरंगजेब के साथ इनके संबंध ज्यादा से अच्छे रहे नहीं है। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, ध्यान दे लेना। मेवाड़ का शासक 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है, महाराणा राज सिंह प्रथम आ जाएगा। कौन सा, महाराणा राज सिंह प्रथम आ जाएगा। एक मिनट, मुझे इस उत्तर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अमर सिंह भी आ सकता है इसका उत्तर, है ना, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, बाद में देख के बताऊंगा मैं। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, याद रखिएगा जगमाल सिंह। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के कौन से शासक को मुगलों के विरुद्ध जाकर के आश्रय दिया, तो आपका उत्तर आएगा अजीत सिंह। आगे फिर प्रश्न आता है अपना, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ये राव चंद्रसेन को कहा जाता है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। आगे चलें, राव चंद्रसेन जिन्हें भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के पक्ष में लड़े थे, ध्यान दे लेना। प्रश्न क्या है कि राणा के पक्ष में लड़ने वाले कौन थे, क्या राम सिंह तंवर राणा के पक्ष में लड़ा था, क्या क्या बीदा झाला लड़ा था, क्या रावत कृष्णदास सुंडावत लड़ा था, अशोक परमार लड़ा था, क्या हल्दी घाटी युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे। अब आपको सही उत्तर देना है, सही उत्तर आ जाएगा 1, 2 और 3, अशोक परमार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। चलें आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन के लिए मुगल सेना के साथ भेजा गया था, बीकानेर के राय सिंह को। और आपको याद हो बीकानेर के राय सिंह को 1572 में जोधपुर की जागीर दी जाती है, 1572 में इसे कहां की जागीर दे दी जाती है, जोधपुर की जागीर दे दी जाती है, यानी राय सिंह मान सिंह के बाद में दूसरा बंदा था महत्वपूर्ण। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए भेजा, किसे, राय सिंह को भेजा। आगे फिर बात आती है, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसे सुपुर्द किया था, अभी मैं बात करके आया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आता है, बीकानेर का राय सिंह याद कर लेना। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है, बीकानेर के राय सिंह को। और मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए कौन से स्थान पर सेना को संगठित किया था, तो अपना उत्तर आ जाएगा भद्राजून। फिर प्रश्न आता है, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया, महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। यानी ये एक नया प्रश्न मुझे देखने को मिला है, अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं था। आगे आ रहा, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, राव चंद्र सिंह। फिर प्रश्न आ रहा आपके सामने, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी, देवारी 1680 के अंदर।
चले आगे वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आता है, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी, तो आप कहेंगे राम सिंह ने। फिर चलते हैं आगे, मोटाराज उदय सिंह भी गया था वहां पे। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल माना जाता है 1574 से 1612। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठते हैं, तो आप कहेंगे 1574। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों के सेना में रहा, तो आप कहेंगे राय सिंह। राजपुताने का करण कहा जाता है राय सिंह को किसके द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। आगे वाला कथन, फिर आता है प्रश्न, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से किन्हीं दो का चयन करना है जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था। मुगलों को सहयोग करने वाले चंद्रसेन तो होगा नहीं, और मुगलों का सहयोग करने वाला सांगा भी नहीं होगा, मान सिंह और राय सिंह होंगे। तो 3 और 4 इसका सही उत्तर। कौन से राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर के अंदर होती है, तो आपका उत्तर बनेगा राय सिंह की मृत्यु कहां होती है, बुरहानपुर में होती है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी जाती है, बीकानेर के राय सिंह को दी जाती है। चले आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला आता है कि मान सिंह को बिहार का सुबेदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न छोटे दिख रहे हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। मान सिंह को बिहार का सुबेदार कब बनाया जाता है, आप कहेंगे 1587 ईस्वी में बनाया जाता है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन से राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, मान सिंह की और जहांगीर की कभी नहीं बनी थी, राय सिंह की और जहांगीर की काफी बनी थी। अकबर द्वारा मान सिंह को मुगल प्रांतों का सुबेदार नियुक्त किया जाता है, काबुल का बिल्कुल किया जाता है, आगे बात आती है बिहार का भी किया जाता है, बंगाल का भी, गुजरात का नहीं किया जाता है। यानी अकबर है ये मान सिंह को काबुल का सुबेदार भी बनाता है, बिहार का सुबेदार भी बनाता है, बंगाल का सुबेदार भी बनाता है। चले आगे चलेंगे, आगे प्रश्न आता है कौन से राजपूत वंशजदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद की उपाधि तो मान सिंह को दी थी, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहां हुई थी सर, महाराष्ट्र के एलिचपुर के अंदर हुई थी। आगे अकबर ने सर्वोच्च मनसबदार किसे बनाया था, राजा मान सिंह को। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 का मनसब का मनसब प्रदान किया, 1605 के अंदर। आगे फिर अगला प्रश्न आता है अकबर के संरक्षण में मान सिंह के द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध भेजा गया था, पहली बार सुरजनहाड़ा, याद कर लेना मान सिंह का पहला जो सैन्य अभियान ये सुरजनहाड़ा के विरुद्ध भेजा जाता है। अकबर 7000 का मनसब फरजंद की उपाधि मान सिंह को देता है। आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था, तो आप कहेंगे नरोत्तम कवि मान सिंह के दरबार में था। आगे प्रश्न आ रहा है कि अंग्रेजों के शासन काल में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहां था, तो याद रखिएगा अजमेर के अंदर था, और इसका ग्रीष्मकालीन काम हुआ करता था, गर्मियों के अंदर बेटे माउंट आबू में जाते थे। आगे आता है 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। फटाफट बताते चलोगे मुझे पूरा भरोसा है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बताया गया था, मॉरिशन था। अब बात करते हैं बर्टन कहां का था, तो आप कहेंगे सरकोटा का। सावर्स कहां का था, आप कहेंगे उदयपुर का। और मोकमेशन कहां का था, जोधपुर या फिर मारवाड़ का। और इसी को तो काट के किले पर लटकाया गया था और नारा दिया गया था, ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बाकी और मेजर ने मार के किला ऊपर टांकियो। प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सावर्स था, अभी बता के आया हूं। आगे प्रश्न आएगा इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था, यानी तांत्या टोपे के पक्ष में कैप्टन सावर्स ने कथन कहा था। 1857 में अवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था, तख्त सिंह को भी जचा दिया था, काम छोड़ा नहीं था। आगे आता 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था उस समय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के अंदर कौन था, कैप्टन सावर्स था। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी, 6 छावनियां थी। चले आगे वाले प्रश्न की ओर। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया,
ये तख्त सिंह का भेजा हुआ उनाड सिंह आया था, उनाड सिंह को मार दिया था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड, अभी बताया गया था नसीराबाद के अंदर मारा जाता है। आगे बात आती है छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई, नसीराबाद में। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे बात आता राजस्थान में 1857 के विद्रोह का पहला पहला संघर्ष कहां से, अपन कहेंगे नसीराबाद से प्रारंभ होता है। बात आती निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो आप कहेंगे सर मेहराब खां। कौन सा खां, मेहराब का 1857 के अंदर कोटा के विद्रोह का नेता था। और आपको बताया था इसके साथ में लाला जयदाल भी था। कोटा के अंदर जन क्रांति होती है और एक बड़ा होता है, यहां पे मेजर बटन को मारा जाता है, सेडलर को मारा जाता है, कांटम को मारा जाता है, बटन के दोनों बेटों को मारा जाता है। कोटा का शासक कौन था, राम सिंह था। कोटा का शासक कौन था, यहां पे राम सिंह द्वितीय था। और याद कर लेना इसे बंदी बना दिया जाता है। राजस्थान के कोटा राज्य में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे लाला जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा किया जाता है। आगे वाला प्रश्न फिर आपके सामने, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर को हो जाती है। अभी मैंने क्या कहा था, 15 अक्टूबर को हत्या ये 1857 के अंदर होती है। क्या मेजर मॉरिसन की, कोटा से कोई लेना देना नहीं मेजर मॉरिसन का, डॉक्टर सेडलर की होती है, मेजर बटन की होती है। जी हां, कंफर्म इन दोनों की हत्या यहां पर हो जाती है। आगे फिर बात आती है अपने नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया, सर कोटा में। कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, करौली ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरिनपुरा छावनी का नारा था। कौन सी छावनी का, एरिनपुरा छावनी का नारा था। आगे बात आती है 8 सितंबर को, अरे बता दोगे 8 सितंबर को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बिथोरा का युद्ध लड़ा गया था। और कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आगवा पर कब्जा किया, कब, तो याद करना 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। कब किया कब्जा, 24 जनवरी 1858 ईस्वी में किया। आगे प्रश्न आ रहा है, वह स्थान जहां हुआ ठाकर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वो कौन सा था, उदयपुर था। 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगवा के ठाकर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा, तो आप कहेंगे कोठारिया के ज्योत सिंह जी के द्वारा इन्हें शरण दी जाती है। कौन से पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विप्लवा में मारे गए थे, जोधपुर वाले, तो आप कहेंगे सर जोधपुर में कौन था, मेक मोशन था। अब बात करते हैं मेवाड़, सॉरी मारवाड़ के अंदर कुलदेवी कौन सी 1857 की, सुगाली माता आ जाती है। कौन से शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, सरदार सिंह बीकानेर, जो सेना लेकर के अंग्रेजों के साथ के लिए और राज्य की सीमाओं से बाहर भी चले गए थे। राजपुताना एजेंसी की स्थापना ये आपका 1832 में अजमेर में होती है। मेवाड़ भील कोपर्स है ये 1841 में गठित किया जाता है। और मेरवाड़ा बटालियन याद रख लेना ब्यावर के अंदर, कब, आप कहेंगे 1822 के अंदर। आगे फिर चलते हैं अपन, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग कर दी, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम उनका साथ देंगे। ये अली बेग ने नीमच के अंदर नारा लगाकर क्रांति शुरू कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जेडी होल था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, भगवंत सिंह था। कौन था, भगवंत सिंह। चले आगे चलते हैं, आगे बात आती है 1857 के विद्रोह के समय महाराजा तगत सिंह ने कुशल सिंह के नेतृत्व में भी सेना भेजी थी। आगे फिर बात आती है बड़लू का युद्ध मारवाड़ आसूप के बीच होता है। आगे फिर आता है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, ये तो पढ़ के आ चुके हैं, फटाफट रिवीजन कर लो। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, अशोक परमार था। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन हुआ करते थे, परमार। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसने दी थी, महाराणा सांगा ने दी थी। 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया, विजय सिंह पथिक ने। और बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन करके ऊपरमाल पंचबोर्ड बनाया जाता है, याद कर लेना कौन सा पंचबोर्ड है, ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया जाता है। और ये जो ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन होता है इसमें मन्ना पटेल को मुखिया बनाया जाता है। आगे चलें, चलते हैं सर, आगे बात आती साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। गोली की स्पीड से चलते रहिएगा। आगे प्रश्न आता है
कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग किसने लिया? साधु सीताराम दास ने लिया, विजय सिंह पथिक ने लिया, इसके अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने भी लिया और नारायण जी पटेल ने, सारों ने लिया था। आगे फिर बात आती है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या था? श्रीमती रमा देवी का संबंध यह राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से? आप कहेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ध्यान दीजिएगा, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 22 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदारों का रवैया क्या था? तो आप कहेंगे इन्होंने लागू करने से मना कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा, विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। बात आती है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? नहीं थे पूछ रहा है, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, यह तो अलग से एक आयोग बनाया गया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ऊपरवाल पंचबोर्ड का गठन किया था, किया किसने था? विजय सिंह पथिक ने। सरपंच या अध्यक्ष किसे बनाया? मन्ना लाल पटेल को। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने कौन सा चौरी कर लगाया था? इसके बाद में फिर बात आती है, आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, तलवार बंधाई शुल्क क्या था? यह एक प्रकार से उत्तराधिकार शुल्क माना जाता है। बेंगू किसान आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ? सर 1921 में होता है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किससे आता है? यह बेंगू किसान आंदोलन से आता है। आगे फिर बात आती है, ट्रेंच किसान आंदोलन, सॉरी ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे? आप कहेंगे बेंगू से। ध्यान दे लेना, होलैंड का बिंदुलाल भट्टा, होलैंड का बिजोलिया, बिंदुलाल भट्टाचार्य का भी किससे? तो आप कहेंगे बिजोलिया से आता है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व यह विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। आगे बात आती है, किसान आंदोलन और उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बात आ रही है मारवाड़ किसान आंदोलन, ये 1920 आ जाएगा, शेखावाटी 27, भरतपुर 38 और बेंगू 21। थोड़ा थोड़ा लिया करो, गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ी। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप कहेंगे सर नैनूराम, नैनूराम। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील शहीद हुए थे। कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील। आगे बात आती है, बरड़ किसान आंदोलन में याद रखना नैनूराम शर्मा। चले आगे चलते हैं, आगे आता निमूचना हत्याकांड कहां पे हुआ? अलवर में हुआ। आपको बता के आया था अभी मैं, कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कैप्टन या कमांडर छज्जू राम ने क्या किया? गोलियां चलाई, धनादन धनादन धनादन। माधव सिंह गोविंद सिंह का संबंध आपको बताया था मैंने किससे था? तो आप कहेंगे सर माधव सिंह गोविंद सिंह, ये अलवर किसान आंदोलन से थे। आगे फिर प्रश्न बना, कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्यों से दुगुनी विभत्स घटना बताया है? तो आपका उत्तर आएगा निमूचना हत्याकांड को। कौन से हत्याकांड को? निमूचना हत्याकांड को बताया है। अलवर राज्य में कर्षक असंतोष के दौरान निमूचना दुखांतिका कब घटित होती है? तो याद कर लेना 14 मई 1925 को होती है। निमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह। आगे फिर बात आती है, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हनुमान सिंह। दूधवा खारा कहां पे हुआ? तो आप कहेंगे बीकानेर में हुआ, वैसे स्थानीय चूरू के अंदर आ जाता है। चलें आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न आता है, सीकर किसान आंदोलन में महिला नेता कौन थी? तो आपका उत्तर आएगा सर दापी दादी किशोरी देवी। तो ये मेन तो कौन थी? किशोरी देवी थी, लेकिन सर ने इसको दापी दादी भी बताया, तो किशोरी देवी तो मेन थी याद कर लेना। चलें आगे, दोनों ही थी वैसे, एवब है दोनों ही था। आगे प्रश्न आता है, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष के अंदर हुआ? शेखावाटी में जाट आंदोलन याद रखिएगा, ये कब होता है? ये 1925 में होता है। शेखावाटी में जाट आंदोलन कब हुआ? 1925 में। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत याद रखिएगा इसकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीड़ितों का पंछीड़ा। ध्यान दे लेना, यहां पे आप कोई और मत कर देना, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, ये मत कर देना। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा ना दोनों ही, दापी दादी वो दोनों ही है, दापी दादी भी है, दापी दादी को बेचारे को कहां छोड़ोगे? तो ये आ गया। इसके बाद में फिर बात आती है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक का, पंछीड़ा इनका। आगे फिर ये बात आती है, किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए
आपका पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना ये 1922 के अंदर की जाती। कब की जाती है? 1922 के अंदर। आगे फिर प्रश्न आ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सीकर का नेता थोड़ी था कल्याण सिंह, तो शासक हुआ करता था सीकर का, ठीक है। आगे बिजोलिया का माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू में रामनारायण चौधरी, करौली में कुंवर मदन सिंह, कृषक आंदोलन के नेता, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं छोड़ते हैं। अच्छा ऐसा, शादी के बाद नेवरी का कुछ चमक रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो शादी के बाद चमक आई जाती है ना, टाइम पे रोटी पानी मिल ही जाती। पहले यहां मंडा सीखना पड़ता है बैठे बैठे भाई, मेरे को घर से दूर रहते हुए आज 12 साल हो गए, तो पहले रोटियां सेक के खानी पड़ती है, अब रोटियां बनी बनाई मिलती हैं। चमक तो आएगी भाई, कैसे नहीं आएगी, चमक तो आई मारसा, चमक तो आई। हाँ जी, पर्सन है अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना किसने की थी, कहां हुई थी? तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? और अलवर से एक बंदे का नाम आता है यासीन खान। अलवर के अंदर एक बंदे का नाम आता है यासीन खान। कांगड़ा कांड का संबंध कहां से, तो याद कर लेना बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से आता है कांगड़ा कांड। चले आगे चलते हैं। प्रश्न फिर आता है कि 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था श्रीमाधोपुर का, इससे को लेना देना नहीं है, ढूंढ लो। मलसीसर मंडावा थे। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? बंजारा। गोविंदगिरी का संबंध कौन सी जाति से आता है? तो आप कहेंगे बंजारा से आता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, विचार तो हम कर ही लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है। इसका सही जो उत्तर है वो आएगा 4231। क्या आएगा? 4231 आ जाएगा। 4 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 4 के बाद में 2, 2 के बाद में आ जाएगा 3, और 3 के बाद में आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने याद करने, 4231 अपने आप ही आ जाएगा। ये 1913 के अंदर होता है, और निमोचना कांड आप जानते हैं 1925 के अंदर होता है, और ये दोनों ही 1947 के लगभग होते हैं ना, मेरे कंफर्म तारीख तो याद नहीं है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत? तो आप कहेंगे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहां से हुई थी? तो आपको बताया था अभी मातृकुंडिया से, मेवाड़ पुकार नामक, तो आप कहेंगे सर मोतीलाल तेजावत आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही प्रश्न है जो अपन फर्स्ट में करके आए थे शुरुआत में। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कुछ प्रश्न रह गए वो नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बाकी जो कुछ बच गए इसमें थोड़े बहुत प्रश्न बच गए, वो इंडिया हिस्ट्री वाले अपन लेके आएंगे मैराथन, उसमें कर लेंगे। लगभग आपका रिविजन मोटा मोटे मैंने करवा दिया राजस्थान के इतिहास का। तो आज के लिए इतना काफी है, खाना खुना खाते हैं अब, और कल सुनना, कल साइकोलॉजी के, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, कल साइकोलॉजी के क्या सुनना मेरी बात, कल साइकोलॉजी के क्या, साइकोलॉजी के 300 प्रश्न लेके आऊंगा, ध्यान दे लेना मेरी बात, यानी कल का मैराथन, कल होगा मैराथन नहीं महामैराथन, और कल का जो महामैराथन होगा वो किसका होगा, मनोविज्ञान। कितने प्रश्न होंगे? 300 प्रश्न, तो तैयार रहना। कल का महामैराथन होगा विज्ञान का, तैयार रहना, और विज्ञान का नाम मनोविज्ञान का, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, ताकि आपको टाइम टाइम पे सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का नाम अपने है जीके भाई नेवरीशर, जीके भाई नेवरीशर, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना काफी, बाकी मिलते हैं जल्दी कभी, ठीक है। सुपरफास्ट अपनी क्लास चली, आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल फिर आना ना, हाँ सेम ही टाइम पे लगभग 9 बजे के लगभग ही रखेंगे, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा ये तो बता देना कमेंट करके।